ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, दोनों बोलना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग इंडिया से और गुड इवनिंग यूएस से। और चलिए हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, अपने मन को कनेक्ट करते हैं सुप्रीम एनर्जी शिव बाबा से। अलर्ट होकर बैठ जाएं, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठें, कोई खींचातानी नहीं करे अपने साथ। अपने आप को मस्तक के मध्य देखकर मैं एक आत्मा हूं। पॉइंट ऑफ लाइट। ये शरीर और इस शरीर की दुनिया से मैं अलग हूं। आज दिन तक मैं स्वयं को शरीर समझती थी। मुझे ज्ञात हुआ है कि मैं एक शक्ति हूं। वो शक्ति जिसमें असीम ज्ञान, प्रेम, शांति, सुख भरा हुआ है। वो शक्ति जो इस पांच तत्वों के शरीर को चलाती है। वो शक्ति जो इस देह में बैठकर नैनों से देखती है कानों से सुनती है मुख से बोलती है हाथों से कार्य करती है पांव से एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान पर जाती है मैं एक शक्ति हूं। आई एम द पावर। मैं स्वयं भी एक शक्ति हूं। प्रकाश की देह में देखें स्वयं को चमकती हुई। मैं दिव्य शक्ति, मैं आत्मा हूं। प्रकाश का शरीर श्वेत और उसमें चमकती लाल रंग की दिव्य शक्ति, एक दिव्य मणि। जिसका लाल प्रकाश मेरी पूरी देह में फैल रहा है। अंग अंग में फैल रहा है। रोम रोम से ये प्रकाश निकल रहा है।
अपने आप को सर से पांव तक देखें। मेरी बॉडी के हर एक पार्ट से, हर एक अंग से प्रकाश निकल रहा है। मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली, निर्भय, बेहद शांत, स्थिर हूं। मैं दिव्य ज्योति अपने अंतर्मन को देख रही हूं। देखें अपने अंतर्मन को जैसे मानो कोई पानी के सागर में गोता मारकर अंदर चला जाए तो उसे चारों तरफ पानी ही पानी दिखेगा। वैसे मैं अंतर्मन में देख रहा हूं, मेरे मन में शक्तियां ही शक्तियां भरी हुई है। मेरा मन सर्व शक्तियों का भंडार है। मैं देख रही हूं मेरे मन में सर्व शक्तियों के खजाने हैं। मेरे अंतर्मन में सर्वशक्तियां, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, सर्व गुणों का खजाना जमा है। मैं आत्मा असीम शक्तियों की मालिक हूं। मैं इस खजाने को देख मंद मंद मुस्कुराती हुई, बेहद संतुष्टि की अनुभूति मुझे हो रही है। मैं आत्मा संतुष्ट मणि हूं। मुझे नशा है बेहद के संपूर्ण अधिकारी होने का। मेरे नयनों में नशा है रूहानियत का। मैं अपने मन को देखकर खुश होते हुए ऊपर देखती हूँ। मेरे सर के ऊपर सर्व शक्तियों की फव्वारे पड़ रही हैं।
सर्व शक्तियों के सागर शिव बाबा, मेरे अंतर मन में शक्तियों की बरसात कर रहे हैं। इस बरसात के माध्यम से अपनी सर्व शक्तियां, ज्ञान और गुण मेरे अंतर मन में उतार देते हैं। मैं ऊपर शिव बाबा को देखती हूँ, परम धाम को देखती हूँ, जहां शक्तियां ही शक्तियां हैं, प्रकाश ही प्रकाश है। शिव बाबा की फैली हुई विशाल किरणें हैं। मैं अपने अंतर मन को देखती हूँ, मेरे अंतर मन में वही शक्तियां भरी हैं जो शिव बाबा में हैं, जो परम धाम में फैली हैं। ये दिव्य शक्तियां मुझे देवताई का नशा अनुभव कराती हैं। इन्हें देखते हुए मुझ छोटे से बिंदु को याद आ रहा है, आज से 5,000 वर्ष पूर्व मैं आत्मा देवताई स्वरूप में थी। मुझे याद है वो देवताई स्वरूप जहां मेरे नैनों में रूहानियत है, चेहरा नूरानी है, सर पे डबल ताज है, और तन पे हीरे रत्नों से जड़ित वस्त्र आभूषण है। जहां मैं सोल है कला संपूर्ण हो, जहां प्रकृति का अतुल्य सौंदर्य है, जहां एक दो के हृदय में असीम प्रेम है, देख रही हूं मैं आत्मा स्वयं को सत्ययुग में, देवकुल में देवताओं के मध्य। स्वयं को बगीचे में वृक्ष के तले बैठा हुआ देख रहा मैं स्वयं को, हाँ
मेरे पास अनेकों रंगों की तितलियां मंडराती हुई पंछियों की चहचाहट मन को मोहती हुई मेरे चारों तरफ अनेक मोर नाचते हुए मेरे पास बहुत सुंदर गौवें बैठी हुई और मैं मस्त बांसुरी बजाता हुआ शीतल पवन का बहाव फूलों की खुशबू को बहा ले आता हुआ यमुना नदी जो हमारे महल को स्पर्श करते हुए बह रही है जिसका पानी कल कल करता बहता हुआ नीला मीठा पानी इतना साफ स्वच्छ पानी जिसमें मैं देवता मैं श्री कृष्ण अपना प्रतिबिंब देख सकता हूं थोड़ा सा नीचे झुक नदी से पानी अपनी हथेली पर लेता हूं ये पानी अमृत तुल्य है उसे प्रेम से निहारते हुए आकाश की ओर उछाल देता हूं पानी घास पर मोतियों की तरह बिखर रहा है ये विशाल महलों के मध्य ये पुष्पक विमानों की उड़ान को देखते हुए एक दो को स्नेह भरी दृष्टि से निहारते हुए हम सभी देवी देवताएं सुखमय जीवन व्यापन कर रहे हैं कितनी सुंदर दुनिया है कमाल है उसकी जिसने इतनी सुंदर दुनिया बनाई है हम शुक्रगुजार हैं शिव बाबा के जिन्होंने हमें इतना सुंदर जीवन दिया है उस जीवन हेतु हम अपने हृदय की गहराइयों से शिव बाबा का शुक्रिया करते हैं ओम शांति
बहुत बहुत सुंदर आज हमारे लिए, अमेरिका के लिए शाम की और इंडिया के लिए सुबह की शुरुआत हुई है। जमुना का कंठा, वो शीतलता है ना, स्वर्ग का नजारा। तो इसके लिए भाई साहब आपका बहुत 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 धन्यवाद। शुक्रिया और बाबा। हाँ, और जैसे आज की शाम का विशेष हमारा लक्ष्य है, जैसे परमात्मा, जब हम अभी परमात्मा की याद में बैठे थे तो दो बातें परमात्मा ने बार बार हमें याद दिलाई है, वो याद आ रही थी। बाबा कहते हैं कि बच्चे, अगर प्रसन्न चित्त बनना है तो प्रश्न चित्त से मुक्त बनो। और दूसरा बाबा ने कहा है, अनुभव जो है वो आत्मा की सबसे बड़ी अथॉरिटी है। तो हमारे पास आज कबीर भाई जो है वो अनुभवी भी हैं, प्रसन्न चित्त भी बनाते हैं, स्वयं भी प्रसन्न चित्त दिखते हैं और हमें आज प्रश्नों से मुक्त भी कर देंगे। तो भाई जी, हमने आपके जो ये मन के ऊपर की जो सीरीज है और उसके पिछले 4 सेशन में हमने आपसे बहुत कुछ जाना है और समझा है। हम सब एग्री होते हैं? यस, डू वी ऑल एग्री? समझा है, जाना है, लेकिन आज हम कुछ आपके अनुभव को जानना चाहते हैं, क्योंकि जब हमने आपका अनुभव पढ़ा था तो, और जब आपने ये मन की पूरी जो डीप जर्नी एक्सप्लेन की थी, तो एक प्रश्न पर्सनली मुझे फील होता है कि आपने जरूर जरूर कोई इंटेंस और तीव्र पुरुषार्थ जरूर किया है, जहां पर आपने पूरी कॉन्शियसनेस को शिफ्ट किया होगा, करेक्ट? क्योंकि जिस फील्ड से आप आते हैं और जो इस दुनिया में आपने अपने कदम रखे थे, आपका करियर था, वहां से पूरा शिफ्ट होना। हाँ, बाबा के बच्चे हैं, बाबा के दरवाजे तक कोई ना कोई निमित्त बन जाता है, कुछ ना कुछ कारण बन जाता है, लेकिन उस कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करने में, जो आपकी जो ये 4 सीरीज है उसके अंदर आप जो हमारे जिज्ञासु हैं उनसे शेयर करेंगे कि आपकी जर्नी के साथ, आई वुड सजेस्ट कि किस तरह से आपने पूरा ये एक बॉडी कॉन्शियसनेस की दुनिया से टोटल सोल कॉन्शियसनेस की दुनिया में शिफ्ट होना कैसे पुरुषार्थ किया। श्योर श्योर। मुझे याद है कि जब 2013 2013 की बात है, 2013 भी के एंड या 2000, क्योंकि मुझे जो ज्ञान मिला था 2014 9th में, मैं समझता हूँ कि मेरा अलौकिक बर्थडे है, तो उससे पहले तक का जो जीवन है एक्सट्रीम देह भान। सबसे बड़ी बात है, मुझे बाबा के महावाक्य वो हमेशा याद आते हैं। मुझे एक भाई ने एक बार याद दिलाए थे, वैसे मैंने मुरली में पढ़े थे और उन्होंने मुझे देखते हुए ही ये कहा था, एक बड़े भाई थे, कि जो जितना गिरता है वो उतना उठता है। तो मुझे ये बात हमेशा याद रह गई, मेरे कानों में गूंजती थी कि जो जितना गिरता है वो उतना उठता है। मुझे ऐसा लगता है कि अज्ञान में विकारों की भरमार थी मेरे अंदर, सभी जितने भी एक्सट्रीम हो सकते थे उससे ज्यादा और क्या हो सकता है। तो खान पान भी मेरा बहुत अशुद्ध था, बहुत ही ज्यादा, और फील्ड भी ऐसा ही था कुछ। तो ये सब चल रहा था, तो एक जब कहते हैं ना, हद हो जाती है किसी चीज की, मतलब, तो फिर आप का मन बहुत ज्यादा रोने लगता है, डिस्टर्ब होने लगता है। तो 2014 आई थिंक, तो मई, अगर 9th मई में मेरा पूरा कोर्स हो गया था, तो 1 महीने पहले तक आप समझ लीजिए कि मैं बहुत हैवी था उन दिनों, थोड़ा हैवी था, डिस्टर्ब था,
कुछ चीजों को लेकर, जैसे कुछ होती हैं रिलेशनशिप्स की और ये सब काम धंधे की बातें, तो उनको लेके बड़ा डिस्टर्ब था, एक खोखलापन अंदर था, मन में बहुत सारे प्रश्न चल रहे थे कि ये सब क्या है, जीवन क्या है। ये तो अक्सर मुझे चलता था ये वाली बात मेरे मन में कि व्हाट इज लाइफ, लाइफ है क्या, मुझे इसका उत्तर चाहिए, जीवन क्या है। मैं ऑटो में बैठता हूँ, मैं ट्रैफिक क्रॉस करने के लिए यहाँ घंटों वेट करता हूँ, तब जाके मैं शूट पे पहुंचता हूँ। कई बार तो ऐसा होता था मैं इतना लेट हो जाता था शूट पे कि वो मुझे मेरी जगह किसी दूसरे मॉडल को ही यूज कर लेते थे, तो ये चीज को लेके बहुत डिस्टर्बेंस होता था। मन में ये प्रश्न चले करते थे जब मैं ऑटो में बैठा था कि ये क्या है जीवन, व्हाट इज लाइफ। हम सवेरे उठते हैं, खाते हैं, जिम जाते हैं, फिर काम पे जाते हैं, फिर शाम को आ जाते हैं, फिर खाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर खाते हैं, इसे ये क्या है, मतलब लाइफ क्या है, हम यहाँ क्यों आए हैं, हम इसलिए आए हैं क्या ये सब करने के लिए, और मैं हूं कौन, मतलब ये बातें चलती थी, बट उत्तर कुछ भी नहीं था। दूसरा कि मुझे मन के बारे में जानने का बड़ी इच्छा होती थी कि मैं मन के बारे में कुछ जानूं, लेकिन मुझे कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं था, मार्गदर्शक नहीं था कि भाई आप कैसे जान सकते हैं, या कुछ बुक आप पढ़ सकते हैं, या कौन सी बुक ठीक रहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं था। और जब एक मुझे याद है कि जो जिम था वहां पर जहाँ पे मैं एक्सरसाइज करने जाता था, वो बिल्कुल एकदम सेंटर के सामने था, लोखंड वाला में सेंटर के एकदम सामने था, तो वहां पे हम वर्कआउट कर रहे थे। वर्कआउट करते करते मन बहुत भारी था, तो बार बार क्या करते थे, जिम से बाहर आ जाते थे, ये सोच करके नहीं 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 करना, नहीं हो रहा मुझसे, नहीं हो रहा आज। फिर अंदर जाते थे, फिर बाहर आ जाते थे, 3 बार बाहर आए डंबल फेंक कर, और फिर तीसरी बार जब बाहर आए तो फिर जिम में ना जाकर सामने जो सेवा केंद्र था उस तरफ चले गए, ये देखकर कि बाहर लिखा था लर्न राजयोग मेडिटेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसे मैं 1 महीने से देखता आ रहा था लेकिन कभी गया नहीं था। मैं सोचता था ऐसे तो कुछ नहीं है, मेडिटेशन वगैरह इतना तो मैं करता ही हूँ घर पे भी, वो प्राणायाम वगैरह ध्यान वगैरह मैं सब ये करता ही था, मैं वो तो मैं करता ही हूँ, ये भी कोई अलग चीज तो मुझे सिखाएंगे नहीं। थोड़ा सा मेरा अहंकार जाग जाता था कि मुझे क्या सिखाएंगे, मुझे तो बहुत ज्ञान है, ये सब हम देह भान में जब रहते हैं हमें बहुत रहता है। इसलिए आज जब हम कभी भी आत्माओं से मिलते हैं, जब बाबा हमें ज्ञान सुनाने के निमित्त बनाते हैं, और विशेषकर अज्ञानियों को जिनमें थोड़ा देवान ज्यादा होता है, तो हमें कोई आश्चर्य नहीं होता, हमें पता है कि इस वाली स्थिति से हम गुजर चुके हैं और इन्हें कैसे हैंडल करना है, वो सब मतलब टच करते रहते हैं बाबा। तो ये सब हुआ, हम अंदर चले गए, अंदर जब गए तो जाते ही इतनी पीस अनुभव हुई, इतनी पीस जो कभी भी नहीं हुई, कभी नहीं हुई, कहीं भी कहीं भी कहीं भी चले जाओ आप, किसी भी जगह चले जाओ, किसी कोने पे चले जाओ, कहीं भी नहीं हो सकती, ये बात मैं गारंटी से कहता हूँ, आप किसी भी स्थान पे चले जाइए पूरे विश्व में, जो मुझे पीस वहां अनुभव हुई सेवा केंद्र में। तो मैं अंदर गया, मुझे देख के ऐसा लगा कि जैसे पहले, तो वही बात मुझे जो बिल्कुल लगी थी कि जैसे मैं यहाँ पहली बार नहीं आ रहा हूँ, मैं यहाँ पहले भी जैसे आया हुआ हूँ, ये मेरा ही अपना स्थान है, मुझे ऐसी फीलिंग आई जैसे मैं मतलब अपनापन सा लग रहा। तो मुझे एक बहन मिले थे, शायद माता थे, वो सेवा दे रहे थे, मैंने उनको नमस्ते बोला और बोला कि मेरी पहले तो समझ में नहीं आ रहा था मैं उनको क्या बोलूं, तो मैंने फिर बोला कि मैम मुझे मेडिटेशन सीखना है, तो उन्होंने बोला कि हाँ भाई जी आप आइए, हम आपको मेडिटेशन सिखाएंगे। मैंने कहा वैसे तो मैं करता हूँ मेडिटेशन लेकिन फिर भी कुछ और सीखने को मिल जाए, कहते हैं हाँ आपका 7 डेज का कोर्स होगा और आप सीख जाएंगे। तभी जो सेंटर पे जो निमित्त बहन थी, मैं आज उनका नाम ले रहा हूँ यहाँ पे, नम्रता दीदी, रिस्पेक्टेड सोल, रिस्पेक्टेड सिस्टर नम्रता दीदी, उन्होंने मुझे हैंडल किया और कहा कि भाई जी आप कल आइएगा 7 o'clock। अब मुझे इतना उमंग उत्साह, क्योंकि वहां पे मुझे इतना पीस अनुभव जो हुआ था, मेरे मन में ये चल रहा है कि कब 7 बजे, कब मैं वहां पहुंचू, कब पहुंचू कल, क्योंकि मैं रोज 10 या 11 बजे सोकर उठता था और रात को 12 या 1 बजे मैं सोता था, उसमें भी हम लोग बहुत पार्टीज वगैरह सब उल्टे सुलटे काम करते थे, तो
सोते थे, लेट सोते थे। हमारे जो हॉल में सभी मेरे मॉडल फ्रेंड्स वगैरह जब भी घर पे इकट्ठे हो जाते थे, बहुत लेट नाइट तक हम लोग पार्टी वगैरह करते थे, और सब इसलिए सवेरे 10-11 बजे तक हम सोकर उठते थे। लेकिन उस दिन हम 6 बजे उठ गए कि हमें वो जाना है, देखना है वहां, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हम वहां पहुंचे तो दीदी जी आए, एक 7 डेज कोर्स का वो जो बुक होता है वो लेकर आए। तो बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो ये बात मैं खुल करके आना चाहूंगा, और कि मुझे अपने जीवन में पहली बार किसी भी स्त्री को देखकर ये थॉट आया कि मुझे इनके जैसा बनना है। मुझे ये थॉट पहली बार अपने जीवन में आया कि मैंने किसी महिला को देखा हो जो हम उम्र हो, उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी, मुझसे 2-3 साल ज्यादा होगी, लेकिन बहुत ज्यादा रूहानियत थी, बहुत ज्यादा मधुरता थी वाणी में। तो मुझे देखकर ये विचार आया, क्या मेरा व्यक्तित्व ऐसा बन सकता है, क्या मैं ऐसा बन सकता हूं। तो मेरे मन में यही चल रहा था कि मुझे ऐसा ही बनना है, ऐसा ही बनना है। और मैं बहुत खुश नसीब हूं कि मेरे सामने बाबा ने एक ऐसे आदर्श को रखा जिन्हें देखकर मैं वहां पर ये सोच पाया कि मुझे ऐसा बनना है। ये मेरा सौभाग्य है कि बाबा ने उन्हें निमित्त बनाया मेरे लिए। तो क्योंकि मैं बाहर की दुनिया, चकाचौंध की दुनिया से आया था, तो बहुत लॉजिकल, बहुत ज्यादा प्रश्न होते हैं मेरे, बहुत ज्यादा हर चीज में प्रश्न, हर चीज में प्रश्न। तो उसके लिए आत्मा भी वैसी जरूर चाहिए थी जो मेरे उत्तर दे सके। तो उन्होंने, जैसे वो आए बैठे, उन्होंने आकर मुझे बताया कि, मतलब कोर्स के दौरान मुझे पता चला कि आप एक आत्मा हैं, आप ये देह नहीं है। बहुत खुशी हुई जानकर कि मैं आत्मा हूं, मतलब मैं ये देह नहीं हूं, मैं स्वयं को ये समझता हूं, इसकी अकड़ में रहता हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं एक शक्ति हूं, मतलब मैं शक्ति हूं, मैं हूं ही एक शक्ति, और मैं शक्ति ही तलाश रहा हूं, शक्ति ही खोज रहा हूं। अद्भुत, शक्ति खुद हूं और शक्ति खोज रहा हूं। तो दीदी जी ने मुझे इस तरीके से बताया, भाई आप प्रेम, शांति, सुख, ये सब जो गुण, 7 गुण हमारे हैं, वो आपके अंदर भरे हुए हैं, आप उनका स्वरूप हैं, लेकिन हम उन्हें यूज नहीं कर रहे हैं। तो जब वो सुनी मैंने बातें, मैंने कहा ये तो मेरे अंदर ही है, शांति मेरे अंदर है, प्रेम मेरे अंदर है, सुख मेरे अंदर है, और मैं बाहर खोजता हूँ पूरे दिन। और ये सबसे अद्भुत बात तो ये कि मैं एक आत्मा हूं, मैं शरीर हूं ही नहीं। मुझे इतनी खुशी हुई जानकर, मैं समझता हूं, मुझे उस वक्त ऐसा लग रहा था कि दुनिया में मेरा मन कर रहा था कि मैं बाहर जाऊं और अपने गले में एक ढोल, ढोलक टांगू और बजाऊं उसको, और दुनिया को सुनाऊं कि देखो मुझे क्या पता चला है, और आप भी जानो। मुझे इतना उमंग उत्साह था कि मतलब मैं बता नहीं सकता, मैं बाहर आके पूरी दुनिया को बताना चाहता था कि देखो मैंने क्या जाना है जो आप नहीं जानते, और कल तक मैं भी नहीं जानता था, और आपको जानना चाहिए। ये सब करके हम घर पे आ गए। आते ही मेरा एक फ्रेंड था जो मॉडल फ्रेंड था, उसको आते ही मैंने कोर्स कराना शुरू कर दिया। बहुत उमंग उत्साह में था मैं, लेकिन वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, उसने बड़े ध्यान से बातें सुनी, और सुनते ही उसने कहा कि कल मैं भी चलूंगा। मैंने कहा हाँ चलना। वो मुस्लिम भाई था अपना, मुस्लिम भाई, तो उसने कहा कल मैं भी चलूंगा। मैंने कहा हाँ ठीक है। कल से वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसा हुआ था, बहुत ज्यादा। उसने कहा कल मैं भी चलूंगा, ठीक है। कल से वो भी गया, तो उसने भी कोर्स करना शुरू किया, और उसने पूरा कोर्स किया साथ में। तो अगले दिन जब मुझे और खुशी हुई ये जानकर कि परमात्मा तो ज्योति बिंदु है, वो शिव हैं, प्रेम के सागर, शांति के सागर, ये सब, ये बात मुझे इतनी खुशी देती है, क्योंकि इतना ज्यादा कंफ्यूजन था मेरे मन में कि भगवान है कौन, ये भी भगवान, वो भी भगवान। इसलिए सच बताऊं, मैंने तो भगवान में विश्वास करना ही छोड़ दिया था, मैं बिल्कुल भी भगवान में विश्वास नहीं करता था, बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता था कि भगवान है ही नहीं, ये सब इतने सारे भगवान भला कैसे हो सकते हैं, मैं बहुत कंफ्यूज रहता था। फिर उनके साथ ऐसी ऐसी बातें जोड़ रखी हैं कि शंकर जी तो भांग पीते हैं, क्रोध करते हैं, और श्री कृष्ण के साथ जोड़ दिया कि उन्होंने इतनी इतनी रानियां थी, इतनियों को भगाया, ये सब।
तो इन सब मक्खन चुराते थे, ये सब सुनकर मतलब मेरे मन में कोई रिस्पेक्ट नहीं थी बहुत ज्यादा उनके लिए, कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते। लेकिन जब पता चला कि वास्तव में शिव कौन है, शंकर कौन है और श्री कृष्ण कौन है, तो इतना सम्मान और इतना आदर उनके लिए जागृत हृदय में कि बस फिर पूछो मत। तो जो सच्चाई सामने आई तो बहुत मजा आया। अब आगे मेरे ये प्रश्न बहुत थे, मैं प्रश्न उनसे पूछता था। दीदी बहुत ही प्यार से अच्छे से मुझे समझाती थी, उन्होंने काफी समय मुझ पर लगाया है। मैं सच बताऊं तो जो आज जैसे भी बाबा मुझे यूज कर रहे हैं, कराने वाले तो बाबा है, लेकिन निमित्त की भी कमाल होती है कई बार, कि उन्होंने बहुत समय दिया है, सिर्फ 7 डेज नहीं, तकरीबन 1 महीना मुझ पे लगाया होगा। रोज वो 10-20 मिनट मुझे देते थे, मैं उनसे उनके ले ही लेता था 20-25 मिनट डेली, जिसमें मेरे प्रश्न होते थे और कुछ बातें, हर बात का जवाब देना, मुझे छोटी छोटी चीजें सिखाना, और उस पे उनका बहुत बड़ा क्रेडिट है, वो उनको जाना चाहिए, उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार। और उसके बाद तो ये मुरली पढ़ना, मुरली पढ़ता था तो ये लगता था हाँ ये बात अवश्य है। एक बात मैं यहाँ पर जरूर जोड़ूंगा, जब मुझे ज्ञान में तकरीबन 2 से 2.5 महीना हो गया था, तो दीदी जी ने हमसे कहा कि हमारा यहाँ पे एक सेवा केंद्र है, बड़ा सेवा केंद्र है, उसमें भट्टी है। अब मुझे पता नहीं था भट्टी क्या होती है, उन्होंने कहा वहां पे भट्टी है सभी की, आपको जाना चाहिए। तो मैंने पहले तो बहाने मारे, फिर उन्होंने कहा नहीं, आपको जाना चाहिए, आप दीदी की बात मानेंगे ना। मैं कहा हाँ दीदी। तो कहते आप जाइए, मैं कहा हाँ ठीक है, मैं चला गया। जब मैं वहां गया तो बहुत अच्छा लगा, माहौल बहुत अच्छा था। एक हॉल में हम सभी लोग बैठे हुए थे। अब मैंने पूछा भाइयों से कि भाई कैसे भट्टी क्या होती है, तो उन्होंने कहा कि इतने बजे से इतने बजे तक निरंतर योग में बैठेंगे। मैंने कहा इतने घंटे योग कौन करेगा, मैं तो 10 मिनट से ज्यादा बैठ ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप बैठ जाएंगे, देख लेना, सब बैठेंगे, आप भी बैठ जाना। मैंने कहा चलो ठीक है, बैठ जाऊंगा। सच बताऊं मुझे ज्ञान के लेवल पे सारी क्लैरिटी हो गई थी, अनुभव नहीं थे, मुझे ये नहीं था कि भगवान को मैंने अनुभव कर लिया है, कि भगवान सचमुच आए हुए हैं, मैं ये कह सकूं अथॉरिटी के साथ कि मैंने अनुभव किया है, वो मैंने नहीं किया था अभी। तो भगवान को ज्ञान के लेवल पे मान रहा था मैं, लेकिन अभी अनुभव नहीं किया था। भट्टी शुरू हुई, हम बैठे हैं बैठे हैं, अच्छा 10 बजे से शुरू हुई थी शायद, हाँ 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए। बड़ी हिम्मत की मैंने बैठने की, माहौल बहुत अच्छा था, रेड लाइट पहली बार, बड़ा सा हॉल, अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा। योग मेडिटेशन कर रहे हैं, बैठे हैं, कमेंट्री चल रही थी, दीदियां गाइडेंस दे रही थी, अच्छा लग रहा था। तभी मुझे नींद आने लग गई, मैं ऐसे झुटके था, फिर ऐसे आंखों करो, फिर झुटके था। अब मैं ये सब मुझे हो रहा है, तभी एक आवाज मेरे कानों में गूंजी, जो कि हॉल में दीदियों ने कमेंट्री लगाई थी, जो कमेंट्री डायरेक्ट बाप दादा करा रहे थे दादी जी के तन से। मैंने उससे पहले कभी भी ना तो मेरा कोई बाबा मिलन वैसे हुआ था, वैसे तो होना असंभव ही है खैर, लेकिन मैंने उन्हें देखा भी नहीं था, ना टीवी पर, ना फोन पर, ना उनकी कभी आवाज सुनी थी। बट ये मुझे पता था कि हाँ दादी गुलजार जी के तन में बाबा आते हैं, और ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी, पर अनुभव कोई नहीं था। अब मैं बैठा हुआ हूं, मुझे हल्की सी नींद आ रही है, लगभग मैं सो ही गया हूं। इतने में ही एक आवाज गूंजती है, कमेंट्री चलती है, बाप दादा की आवाज में कमेंट्री होती है। बाबा कहते हैं, वो बाबा कहते हैं उसमें, बाप कहते हैं, तो वो कुछ आवाज ऐसे थी, बाप कहते हैं ऐसे करके, तो वो जैसे वो आवाज मेरे कान में एकदम गूंजी, मुझे एकदम से ऐसे झटका सा लगा, एकदम बहुत जोर से मुझे एकदम गूंजी वो मेरे कान में, बाप कहते हैं, क्या स्वयं को 1 सेकंड में शरीर से अलग कर सकते हो, विदेही बन सकते हो? तो ये बातें थी। तो वो जैसी कान में पड़ी,
इतनी पावरफुल आवाज मैंने कभी नहीं सुनी थी। आवाज में इतनी पावर मैं आपको मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकता, वो कितनी पावर मुझे अनुभव हुई थी उस आवाज में। तो एकदम से मैं जाग गया हूँ, एकदम सीधा वो जो बोल रहे मैं ध्यान से सुन रहा हूँ, और सुनते ही मेरे मन से आवाज आई, यही शिव बाबा है, यही है। और ध्यान से सुनता हूं कि क्या वाकई शिव बाबा है ये। अच्छा देखिए, आप में से बहुत पुराने होंगे तो आपको हो सकता है ये सुन के ऐसा लगे इसमें क्या बड़ी बात है, हम तो रोज। लेकिन उस वक्त मैं तो बिल्कुल नया था, मुझे तो ये बहुत बड़ी बातें लग रही, बहुत ही बड़ी। ये बाबा है। हाँ फिर से मैं अपने आप को, आवाज आ रही है अंदर से, हाँ है, फिर भी वेरीफाई कर रहा हूँ। फिर से आवाज आगे चलती है, ये दादी जी के शब्द, कुछ कुछ दादी जी जैसे बोलते थे, क्योंकि मैंने दादी गुलजार जी की एक दो क्लास सुन ली थी तब तक। शब्द तो वही थे जो दादी जी बोलते थे, लेकिन आवाज एकदम अलग थी और आवाज में बहुत पावर थी। तो मैंने कहा ये तो बाबा है। बस इतना मैंने, इतना मेरे उससे आवाज आई है मन से, और उसके बाद जो खुशी के आंसू बहे हैं मैं बता नहीं सकता। मतलब इतने आंसू बहे खुशी के कि मतलब मैं कौन हूं, मेरे मन में आवाज गूंज रही है, मैं कौन हूं, कितना बड़ा हूं मैं, जिसको पूरा विश्व खोज रहा है। मैं देखता हूं जिसके लिए मंदिरों में लाइनें लगी रहती हैं, लोग क्या क्या करते हैं, वो मुझे अपनी आवाज सुना रहा है। मैं कौन हूं, तो मैं कितना स्पेशल हूं, मतलब मुझे अपनी आवाज सुना है, मैं भगवान की आवाज सुन रहा हूं। मेरा खुशी का कोई पारावार नहीं, ऐसे लगे खुशी के मारे मेरे सर की नसें फट जाए। मतलब इतना खुश मैं, इतना खुश कि भगवान मुझे अपनी आवाज सुना रहा है। बताओ भाई क्या बात है। मतलब फिर तो कौन सी नींद, नींद वींद सब भाग गई। और उसके बाद 1 घंटे योग चला, उसके बाद हमें ब्रेक मिला, और ब्रेक के बाद मैं तो पूरी दूसरी दुनिया में, मुझे कोई भान नहीं कि मैं यहाँ धरा पर हूं, या अपने जो बी के भाई थे और वो कुमार थे, काफी सारे लोखंड वाला सेंटर में काफी कुमार हैं जो बहुत अच्छे अच्छे भाई हैं, मैं उनके साथ था। लेकिन मुझे कोई भान नहीं अभी कि मैं इनके साथ हूँ या किसी के साथ हूँ। बस आग थलग एकदम और ऊपर चला गया, ऊपर गया हॉल में जिसमें सभी रेस्ट करने वाले थे। तो वहां पर मैंने फिर भी देखिए ना, मैं मुझे विश्वास तो हो गया, लेकिन फिर भी एक भाई से मैंने वेरीफाई किया ऐसे ही अपना, कि मैं इतना भाग्य के ना, जब भाग्य बहुत चमक जाते तो विश्वास ही नहीं होता, तो उसको वेरीफाई कराते हैं। तो मैंने कहा भाई ये जो आवाज थी ये किसकी थी? तो उन्होंने कहा बाबा थे। उन्होंने बड़े ऐसी है, बाबा थे, जैसे कोई कोई बड़ी बात नहीं है, बाबा थे। मेरे लिए इतनी बड़ी बात, उसने बिल्कुल आराम से बोला, नहीं कोई नहीं बाबा थे। मैंने कहा शिव बाबा? कहते हाँ हाँ भाई वही थे। मैंने कहा अच्छा शिव बाबा थे, उनके लिए वो बड़ी नॉर्मल सी बात थी, और मेरे लिए वो इतनी बड़ी बात थी कि मैं आपको बता ही नहीं सकता हूं। अच्छा ये कहते ही मतलब समझ लीजिए बस आंखों से आंसू रुक ही रहे हैं, कैसे भी करके रोक रहा हूं बट रुक नहीं रहे हैं, इतनी मतलब वो प्रेम के आंसू जो बहते हैं ना, उनकी बात ही अलग है। तो अब ये सब मैं देख रहा हूं, वो कुमार जो थे, कुमार थोड़ा अपना मस्ती वगैरह कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और मैं एकांत में एक तरफ जाके, एक चारपाई थी वहां जाके बैठ गया, उनको देख रहा हूँ, मेरी आंखें आंसुओं से भरी है, मैं उनको यूं देख रहा हूँ। और मुझे देख के बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ये क्यों नहीं रो रहे हैं, मैं अकेला रो रहा हूँ, इनको खुशी नहीं है भगवान की मिलने की। मुझे अजीब सा लग रहा है, लेकिन उनके उनकी वो क्यों रोएंगे, वो तो बहुत पुराने हैं, उनके लिए कोई नई बात नहीं थी, मेरे लिए नई बात थी ना। फिर मैं ऐसी चारपाई पे पीछे लेट गया और आंखों से पानी बहता रहा, मैं लेटा रहा खुशी में, यही सोचता रहा कि भगवान की आवाज सुनी है मैंने, भगवान की आवाज सुनी है मैंने। वो मेरा ऐसा अनुभव था जिसमें मतलब मुझे 100% ये निश्चय हो गया था, मैंने अनुभव कर लिया था कि भगवान का प्रेम, उसने मुझे पर्सनली बहुत गहराई से टच किया था। बस उसके बाद से पीछे मुड़ के ही नहीं देखा, फिर तो बस चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। तो मुझे एक दिन याद आता है कि ऐसे अनुभव बहुत हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं, कुछ और याद भी आ रहे हैं तो ज्यादा लंबा हो जाएगा क्लास,
लेकिन मुझे याद आया कि जब मेरा पहला बाबा मिलन था, मैं मधुबन पहुंचा, जब मुझे ज्ञान में तकरीबन 1.5 या 2 साल हो गए होंगे, तो मेरा बाबा मिलन था। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि मेरा जो पहला बाबा मिलन था 2016, यस 2016 31 दिसंबर को हुआ था। और सभी जा रहे थे बाबा मिलन के लिए, और दीदी जी ने मुझसे कहा था, बड़ी दीदी जी जो इंचार्ज थे, कि आप जून में जाइएगा, सभी जून में जाएंगे, आप दूसरे टर्न में जाइएगा। तो मैं कहा ठीक है दीदी जी, ठीक है फाइन। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, वो एक दिन पहले ही, जैसे 31 दिसंबर बाबा मिलन था, तो सभी 26 या 25 तारीख को जा रहे थे, तो उनको देखकर मेरे अंदर एक बच्चे की तरह हिलोरी से उठे कि मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। तो मैंने कहा दीदी जी मुझे भी जाना है। दीदी जी मुझे मना कर दिया, नहीं नहीं आप नहीं जा सकते ऐसे। मैंने कहा नहीं दीदी मुझे जाना है, प्लीज मुझे जाने दीजिए ना। तो उन्होंने कहा नहीं 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 मैंने कहा दीदी मुझे जाने दीजिए, मैं रुक नहीं पाऊंगा, मेरे को जाना ही है। मैं जिद बच्चे की तरह जिद करके बैठ गया, मेरे को जाना ही है, मेरे को बाबा से मिलना ही है। तो कह रही नहीं नहीं मैंने कहा आप चूने बिल्ला, मैंने कहा बाबा नहीं आएंगे फिर। तो कहते नहीं नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, बाबा नहीं जा रहा कहीं भी अभी। मैं कहा नहीं दीदी बाबा नहीं आए तो आपका गारंटी करो, चलो बाबा आएंगे आएंगे पक्का, गारंटी लिख कर दो कि बाबा आएंगे, नहीं आए तो आप उन्हें बुलाएंगे मेरे लिए। उन्होंने कहा कि देखो बाबा कहीं नहीं जा रहे हैं। मैंने कहा नहीं दीदी मेरे को आज ही जाना है, अभी जाना है मुझे, मेरे को अभी जाना है बाबा, फिर मुझे पता है वो नहीं आएंगे। मैं जानता हूँ कि ऐसा जिद नहीं करना चाहिए, बट मैं एक छोटे बच्चे की तरह अड़ गया, पता नहीं अंदर से मुझसे रुका नहीं जा रहा था, मेरे को जाना है जाना है जाना है। और उन्होंने मुझे भेज दिया और मेरा बाबा मिलन हुआ 31 दिसंबर। आपको जान के ताज्जुब होगा, आप सबको पता है उसके बाद बाबा कभी आया नहीं है 31 दिसंबर के बाद से। आए हैं शायद तो बस थोड़ा सा, 1 2 मिनट 5 मिनट के लिए दृष्टि दी थी, वो भी मुंबई का टर्न नहीं था, तो मतलब मेरा तो कोई चांस फिर था ही नहीं उनसे मिलने का। तो मतलब देखो वो खींचने वाला भी खुद ही था कि आजा मिलके जा, क्योंकि फिर मैं शायद साकार में नहीं आऊंगा। और बाबा फिर नहीं आए। तो ये बात सोच सोच कर मुझे इतनी खुशी होती है कि मेरा एक ही बाबा मिलन हुआ है, मेरे जन्म के बाद केवल एक ही बाबा मिलन हुआ है आज तक, और वो बाबा ने मुझे कैसे खींचा, अविश्वसनीय है, अविश्वसनीय है। तो मुझे फिर उसके बाद, हालांकि हो सकता है कुछ यहाँ पर आत्माएं हो जो अज्ञानी हैं, जिन्होंने भी पूरा ज्ञान नहीं उठाया है, या नए नए आज पहली बार जुड़ रहे हैं, वैसे भी ये सोशल मीडिया पे क्लास जाती ही है, फिर भी मैं खुल के बोल रहा हूँ, क्योंकि वो समय अब ऐसा है कि अब सबको पता चलना ही है चीजों का। मुझे याद आता है कि बाबा ने मेरा पुरुषार्थ बढ़ाने में मुझे बहुत चीजों के अनुभव कराए, साक्षात्कार जैसे होते हैं वो कराए। मुझे याद आता है एक बार कि मैं ऐसे लेटा हुआ था, मैं फर्श पे नीचे ही सोता था, मैं बिस्तर पे बेड पे नहीं सोता था, मैं फर्श पे नीचे ही सोता था मुंबई में। और एक हॉल था, वो एक बड़ा सा रूम था और मैं अकेला ही रहता था उसमें, तो मैं नीचे ही सोया हुआ था और मैं 3:30 बजे उठ जाता था रोज अमृत वेला करने के लिए। जब मेरी आंखें खुली थी, मैंने घड़ी चेक की थी, घड़ी में 3:29 हुए थे। ये यानी कि ये साक्षात्कार मुझे कुछ 10 मिनट चला होगा, तो ये 3:20 के आसपास मुझे दिखना शुरू हुआ होगा, या 3 बजे से शुरू हुआ मान लो। मैं क्या देखता हूँ कि जो मैं लेटा हूँ ऐसे करके हूँ, और सामने खिड़की खिड़की थी एक रूम की, जो जिससे बाहर हम देख सकते थे। तो उस खिड़की के बाहर वो सेम सब कुछ दिख रहा है मुझे, सेम सेम लग ऐसे रहे मैं सपना देख रहा हूँ, वो सब कुछ सेम दिख रहा है, वही खिड़की वही सब कुछ वही। लेकिन उस खिड़की के बाहर घर थे, लेकिन स्वप्न में या साक्षात्कार में कहूँ खिड़की के बाहर पार्क था, बस ये फर्क था। मैं देख रहा हूँ कि मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ योग में, वहीं पे उस खिड़की के पास बिल्कुल स्ट्रेट योग मुद्रा, बहुत पावरफुल स्थिति में बैठा हूँ, कनेक्शन बाबा से लगाकर। और मैं क्या देख रहा हूँ, मेरे ही पास में, मेरे ही एकदम बाजू में एक रेड लाइट का एक गोला बन जाता है, बड़ा सा गोला, वो पूरा
3D था, पूरा गोला था लाइट का। तो उसमें क्या होता है कि मैं योग में हूं और उसके अंदर एक छोटा सा बच्चा है। वो बच्चा भी बहुत प्यारा है, बहुत तेज है उसका, बहुत तेज है उसमें, पर मुझे स्पष्ट नहीं है कि वो कौन है, अभी तक स्पष्ट नहीं है। पर मैं बैठा हूं ऐसे योग में और मैं देख रहा हूं उस बच्चे को, ठीक है, मैं ऐसे योग में बैठा हूं। फिर मैं देखता हूं कि एक ज्योति ऊपर से नीचे को आ रही है, रेड लाइट। अब कहते हैं अगर हमें ज्ञान नहीं है तो अगर ये ज्योति का साक्षात्कार हो तो समझ में ही नहीं आता, लेकिन हमको ज्ञान मिल गया था तो पता है कौन है। तो वो रेड ज्योति नीचे आ रही है स्पष्ट एकदम कि शिव बाबा नीचे आ रहे हैं, आ गए। उस गोले के पास में आके रुक गए ऐसे करके, मैं देख रहा हूं कि बाबा नीचे आए हैं। मैंने देखा कि उस रेड लाइट से एक ब्लू लाइट अलग हटती है, यानी वो कंबाइंड थी, वो मुझे दिख नहीं रही थी, लेकिन अब वो वहां से अलग हुई, अलग होकर उस लाइट का जो वो गोला था उसमें चली गई और उस बच्चे में जाके प्रवेश कर जाती है, ठीक है। और ये मुझे बिल्कुल स्पष्ट करा रहे हैं वहां पर परमात्मा कि ये श्री कृष्ण का जन्म हो रहा है। अच्छा ओके, मैं ये देख रहा हूं। और फिर मैं क्या देखता हूं कि मैं से बैठा हूं और बाबा वहीं पे रुके हुए हैं, वहीं पे। फिर मैं देखता हूं मैं आत्मा इस शरीर से बाहर आती हूं और मुझे बिल्कुल स्पष्ट है, ये आवाज गूंज रही थी मेरे मन में कि मैं आत्मा पास विद ऑनर हो गई हूं। तो निकला वो लाइट, ऊपर गई उस रेड लाइट में समाई और समाकर बाबा साथ लेकर उड़ गए ऊपर, और मेरी एकदम छपट के आंख खुली। अभी आप सपना मानो या साक्षात्कार मानो, एकदम आंख खुली। आंख खुलते ही बस मतलब मुझे एक अजीब सा लग रहा था, बहुत अजीब सा, कि मैंने क्या देखा। वो बहुत गहरा था, बहुत गहरा था, वो इतना गहरा कि मतलब सच बताऊं तो उस वक्त तो मुझे डर लग रहा था घर के अंदर कि मतलब मैंने क्या देखा, ये क्या देखा है, क्या देखा है। मैं बैठ गया और फिर मैं बैठा ही रहा, मेरा योग तो नहीं लगा, मैं उसी के बारे में सोचता रहा सोचता रहा। मैंने लाइट भी ऑन कर दी, मुझे हल्का सा डर लग रहा था, और फिर उजाला हो गया। और इन चीजों ने मेरे पुरुषार्थ को बढ़ाने में बहुत मदद की, मुझे स्पष्ट होने लग गया कि क्या समय है क्या है। और जब मैं सोता था रात को तो मुझे तकरीबन 2 से 3 बजे के बीच में एक बार ऐसा हुआ, शुरू में, ये शुरू के टाइम की बात है सारी, कि मुझे स्वप्न में बहुत ज्यादा दिखता था कि जैसे विनाश हो रहा है, भाग रहे हैं लोग, तांडव मच रहा, पूरा भगदड़ मच रही है, बॉम्ब फेंक रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। और मैं फिर उठ के बैठ जाता था तो मेरे मन में फिर ये आता था कि चलो पुरुषार्थ करते हैं। तो बाबा मुझसे पुरुषार्थ कराया, उन्होंने, ये सही बात आपने बोली कि कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करना आसान नहीं था, बिल्कुल वो इम्प्योर लाइफ थी और ये प्योर लाइफ है, इसीलिए मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा जब मैं इस ज्ञान में आया। स्ट्रगल इसलिए करना पड़ा क्योंकि उधर इम्प्योरिटी इधर प्योरिटी, और मैं ज्ञान में आते प्योरिटी की तरफ आकर्षित हुआ, तो मेरा खान पान सब शुद्ध होने लग गया, दृष्टि बदल गई। अब लेकिन उस फील्ड में उस तरह के लोगों के साथ उठना बैठना ये सब, उनसे मैं दूर जाने लग गया, दूर जाने लग गया तो मेरे हाथ से प्रोजेक्ट छिनने लग गए। और फिर मतलब ऐसी स्थिति आ गई थी जैसे ना खाने के भी लाले पड़ जाएं जिसको कहते हैं, वो दिक्कत आने लग गई। और घर कह नहीं सकते थे, घर कहे तो वो भी सोचे पता नहीं क्या कर रहा है, एक तो पहले ही क्योंकि उन्होंने, उनको तो ज्ञान था नहीं, तब वो तो ये सोचते एक तो पता नहीं क्या बाबा बन गया है और ऊपर से सब कुछ क्या कर रहा है। तो कुछ नहीं बोलता था किसी से, तो काफी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन बस लगे रहे लगे रहे लगे रहे, योग की गहराई या क्लासेस सुनना, ये सब करना, सीखना, आगे बढ़ना। और मुझे एग्जैक्टली याद है कि जब बाबा मिलन पहला था तो मैं बैठा हुआ था अंदर, और भ्राता सूर्य भाई जी जब बाबा मिलन से पहले क्लास कराते हैं तो उनकी क्लास चल रही थी और हम सब बैठे हुए थे। ये माहौल बहुत ही सुंदर माहौल था, रेड लाइट, पूरा हॉल भरा हुआ, इतना बड़ा हॉल, वो भी बिना पिलर्स के बना हुआ इतना बड़ा हॉल। और भ्राता जी एक शेर की तरह दहाड़ रहे थे, उनकी आवाज बहुत अच्छी लग रही थी मुझे, और मैं उनसे बहुत उस वक्त प्रभावित हो रहा था कि देखो कितना अच्छा तरीके से वो करा रहे हैं। तो फिर
तो ये सब जब चल रहा था, तो उन्होंने, भ्राता जी ने कहा, तो चलिए अपने आप को देखिए बाप दादा के सामने सूक्ष्म तन में, और उनसे मनचाहा वरदान लीजिए। तो मैंने मनचाहा वरदान लिया, तो जो वरदान आप चाहते हैं वो ले लीजिए। तो मैंने उनसे उस वक्त वरदान लिया। आपको सुन के थोड़ा हंसी भी आ सकती है, और आप समझेंगे तो वाकई बहुत सीरियस बात है। तो उन्होंने, मैंने वरदान लिया कि मुझे बाप दादा मेरे सामने खड़े, लाइट पड़ रही है, और मैंने कहा कि मुझे भ्राता जी जैसा बनना है। मतलब ये मैंने वरदान लिया उस वक्त कि मुझे सूरज भाई जी जैसा बनना है। ये वरदान था बाबा ने कहा तथास्तु। और तो फिर मुझे पूरा विश्वास हो गया कि क्योंकि उनके बारे में मैंने काफी सुना था, काफी उनकी विशेषताएं हैं, कैसे वो सेवाएं करते हैं, किचन में कैसे सेवाएं करते थे, कैसे उन्होंने अपने ऊपर काम किया, ये सब बातें मैंने उनकी जान ली थी। तो मेरे मन में था कि ये मेरे आदर्श हैं, इनसे मैं काफी कुछ सीख सकता हूँ। और वाकई शुरू में जब ज्ञान में आए तो उनसे काफी कुछ सीखा। तो उस वक्त ही वरदान लिया था कि इनके जैसा बनना है, तो बाबा ने उसकी तरफ ही फिर मोड़ दिया। तो घर में रहते हुए सारे अपने जो भी ड्यूटी हैं, जो भी जिम्मेवारियां हैं, वो निभाते हुए इस तरीके से चल रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं। और थैंक यू, आपने ये पहली बार किसी ने अनुभव शेयर करने के लिए कहा है, तो अच्छा लगा। थैंक यू, ओम शांति। बाबा ने इसीलिए ये संकल्प दिया कि काफी लोगों के जो प्रश्न आए हैं ना, उसमें से अगर मैं अभी प्रश्न पढ़ूंगी और अगर आपने इनका अनुभव गौर से सुना है तो आपके प्रश्नों के जवाब मिल गए होने चाहिए। तो मैं प्रश्न पढ़ती हूँ और इनके जवाब आपको मिल गए हैं वो मैं आपको एम्फेसाइज करती हूँ कि पहले तो किसी ने प्रश्न पूछा था कि बाबा के जवाबों को हम कैसे कैच करें। तो वो जो आपके अनुभव है उसके अंदर आपने बहुत अच्छे से समझाया है कि एक तो दिल की लगन, परमात्मा से सच्चाई, और जैसे कहते हैं ना कि अगर हमने बाबा से रिश्ता जोड़ा है और वो जोड़ने के साथ साथ दूसरे किसी का प्रश्न था कि हमें कंसिस्टेंसी कैसे रहती है, कि हाँ हमें करना है लेकिन कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, तो भाई साहब ने उसका भी जवाब अपने अनुभव में दे दिया है कि कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, पूरी शिफ्ट करना एक एक पूरे ग्लैमर के वर्ल्ड से, एक चकाचौंध की दुनिया से एक आध्यात्म की दुनिया में जाना, आई कैन इमेजिन, क्योंकि बॉम्बे से हम भी मुंबई में रहे हैं तो हमें पता है कि वो शिफ्ट, इसीलिए प्रश्न इस तरह से आपके सामने बाबा ने प्रश्न रखा था कि किस तरह से शिफ्ट, तो इट इज अ चैलेंजिंग, ये चैलेंजिंग तो है। लेकिन जैसे भाई साहब ने बताया कि निश्चय, नशा और जो भी बाबा ने निमित्त के द्वारा जो भी डायरेक्शन दिए उसने आप उसे फॉलो करके जो आपने पुरुषार्थ किया, उस पुरुषार्थ से ही आप अपने अंदर ये कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन ला सकते हैं ना। फिर भाई, एक, हाँ जी, हाँ जी भाई, हाँ जी, प्लीज बोलिए आप। नहीं क्योंकि मैं इसीलिए, क्योंकि आपका भले अनुभव, मुझे बीच बीच में कुछ कुछ याद आ रहा है ना, हाँ हाँ इसलिए मैं बोलिए बोलना बोलिए चाह रहा बोलिए, कोई बात नहीं, ये कॉन्वर्सेशन ही है, आप मुझे रोक सकते हैं, आप बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम दीदी, मैं बोलूं, इट्स ओके, आई विल स्टॉप। था। ओके फाइन, मैं हाँ बोलिए, बोलूं? नहीं, आप बोलिए। हाँ, तो मुझे याद आता है कि जब दीदी जी मुझे कोर्स करा रहे थे, तो उनको जब कोर्स करते मुझे 10 दिन के आसपास, मतलब कोर्स के बाद जो चल रहा था, शायद कोर्स के दौरान ही हुआ था ये, तो 6ठे या 7वें दिन, मैंने उनसे पूछा कि दीदी जी आप कैसे मेडिटेशन करते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं इतने बजे उठती हूँ, शायद 3 बजे कहा था या 2 बजे कहा था उन्होंने, 2 बजे कहा था। हाँ, मैं 2 बजे उठती हूँ, 2 से 5 में मेडिटेशन करती हूँ। मैंने कहा अच्छा, 2 से 5। हाँ, फिर मेरे मन में तो वही था कि मुझे ऐसा बनना है, तो मैंने कहा मैं भी 2 से 5 करूंगा। तो मुझे याद आता है कि हम घर पे थे। अब ये कोर्स भले कर रहे हैं, लेकिन वो संस्कार तो इतने कड़े हैं ना, वो आसानी से नहीं छूटते हैं। तो मेरे ख्याल से 8वां 9वां दिन होगा कोर्स का,
और हमारे जो फ्लैट पे है पार्टी चल रही है। पार्टी करते करते 1 बज गया। मुझे गलत मत लीजिएगा, वो कबीर भाई दूसरा था बिल्कुल, अभी ये पूरी तरह नया अवतार है। उस वक्त ये सब खान पान बहुत अशुद्ध था, ड्रंक वगैरह ये ड्रिंक वगैरह सब करते थे, तो किया हुआ था, काफी ड्रिंक किया हुआ था, बुरा सर घुमा हुआ था। तकरीबन 1 बज गया था और 1 बजा हुआ है, फुल नशा एकदम। सभी दोस्त जाने लग गए, अब बस मैं और मेरा एक फ्रेंड वहां थे, और मैं घड़ी की तरफ देख रहा हूँ कि कब 2 बजे, कब मैं मेडिटेशन करूँ, मुझे भी वैसा ही बनना है। तो मैं बैठा बैठा 1 बजे से 2 बजे तक यूं ही बैठा रहा सोफे पे, 2 बजे तक का इंतजार करता रहा। जब 2 बज गए तो मैंने मेडिटेशन किया। मेडिटेशन तो मुझे करना आता नहीं था इतना, तो शिव बाबा की एक वो कास्केट होता है ना, वो लाइट वो ले आया था, मैं उसे लगाया हुआ था। मैं उसके सामने ही ऐसे बैठ गया, यूं सीधा बैठा रहा, उस लाइट को देखता जाऊं, आंखें खोल के यूं ऐसे देखता रहा, बस सीधा बैठ के 1 घंटे तक यूं देखता रहा उस लाइट को। और उस लाइट से भी मुझे काफी अनुभव हो रहे थे, वो लाइट जैसे मुझसे कह रही है कि छोड़ दे ये सब, छोड़ दे ये सब अल्कोहल, छोड़ दे बिल्कुल, छोड़ दे ये सब नॉन वेज वगैरह, छोड़ दे। अब मैं इधर से लड़ रहा हूँ, जैसे मेरे अंदर से रावण कह रहा है कि कैसे छोड़ दूँ, अगर छोड़ दूंगा तो फिर मेरी बॉडी खराब हो जाएगी, मैं जिम कैसे जाऊंगा, तो मैं मुझे तो ये फील्ड ही छोड़ना पड़ेगा, मैं क्या करूंगा। मेरे अंदर ये सब चल रहा है, उधर से कि तू छोड़ दे, मैं कैसे छोड़ दूँ, तो ये सब चल रहा है। अभी मैं बैठा हुआ, उस दिन हल्की हल्की बारिश हुई थी मुंबई में, मैं ऐसे बैठा हूँ और यूं देख रहा हूं। अब मैं बताऊं, पहले मुझे ये ज्ञान में आने के बाद की बात कर रहा हूँ, ज्ञान में आते ही ना मुझे कुछ ज्यादा डर लगने लग गया था, अंधेरे से इन सब से। कुछ कुछ दिनों तक रहा था ऐसा, अब तो शमशान में सुला दीजिए, लेकिन उस वक्त की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो रावण अंदर जो बैठा था वो डर रहा है ना राम से, राम मिल गए, रावण जो अंदर है वो डर रहा है, तो वो डर क्या था, वो रावण डर रहा है अंदर, तो वो डर था। वो तो बहुत डर लगने लगा था मुझे रात रात को ऐसे, तो बैठा हूँ मैं ऐसे शिव बाबा के लाइट को देख रहा हूँ और हल्का हल्का डर रहा हूँ कि वो जैसे अंदर, मैंने बताया ना रावण डर रहा है कि राम आगे बैठे हैं। तो एकदम हवा बहुत तेज चली, एकदम खिड़की धड़ाम से एकदम खुली और मैं एकदम से सहमा, मैंने कहा हो, तो फिर मैं अपने आप को संभाला, में बैठा तो फिर उधर से आवाज आती है, ये छोड़ दे दो। मैंने कहा, मैं मेरे मन में कि मैं नहीं छोड़ूंगा। तभी क्या हुआ, जोर से एकदम हवा चली और जो बाबा की लाइट थी ना वो दीवार से हटके एकदम नीचे गिर गई धड़ाम से। जैसे वो नीचे गिरी मैं एकदम जोर से सहमा और एकदम जहां बैठा था वहां से उठ गया, मैं मतलब जोर से डर गया एकदम। फिर मैंने कहा ठीक है, छोड़ दिया, अब नहीं करूंगा। और उस दिन के बाद फिर मैंने कभी भी नॉन वेज अल्कोहल को नहीं छुआ, और इतना अच्छा मेडिटेशन होने लग गया, इतनी पावर आने लग गई। तो ये सब अद्भुत चीजें हैं, मतलब कराने वाला वो जादूगर है, मतलब कमाल किया उसने। दीदी जी को सुनाया मैंने अगले दिन जाके, बहुत हंसे वो, क्या मतलब ये विल पावर का भी एक उदाहरण है कि बनना है वैसा ही बनना है, ऐसे ही बनना है। वो अज्ञान काल में ऐसी जिद थी पहले से कि करना है तो करना ही है, कोई भी रोक ले करना ही है, तो वो ही फिर बस वो यहाँ भी काम आई है और बाबा ने उसको बहुत बढ़ा दिया, बहुत बढ़ा दिया। थैंक यू बाबा। भाई साहब, एक योग के बारे में, क्योंकि हम बॉम्बे से हैं तो हमें पता है कि जैसे अभी भी कुत्ते की आवाज आती है, ट्रेन की आवाज आती है, और इतनी आवाज आती है, और बहुत सारे और हम यहाँ पर अमेरिका में बहुत स्पॉइल है, क्योंकि हमें तो बिल्कुल आवाज नहीं चाहिए, नहीं तो हमारा योगी नहीं लगता है। कोई जरा भी बड़ी आवाज करे ना, घर वाले भी करें ना, तो योग टूट जाता है। तो हम आप थोड़ा बताएंगे कि कैसे हम हर चीज से पार होते होते हम परमात्मा से कनेक्शन गहरा कैसे करें। देखिए दीदी जी, आप तो मुझसे बहुत बड़े हैं और आप सीरियसली मुझसे ज्यादा अनुभवी भी हैं, लेकिन मैंने जो अनुभव किया है वो ये है कि एक बार एक भाई ने सेंटर पे,
थोड़ा सा भाई मतलब ज्ञान में पुराना तो था, लेकिन थोड़ा सा था उसके अंदर देवान टाइप। तो उसने ना अपने चप्पल थे उसके हाथ में, उसने जैसे पहनने के लिए नीचे रखते हैं फर्श पे तो आराम से रखते हैं, तो उसने बहुत जोर से ऊपर से ऐसे छोड़े ना तब, और फर्श पे गिरे तो ऐसे आवाज हुई जैसे पटाखा छोटा हो। तो वहां पे दीदी जी ने थोड़ा सा एक्सप्रेशन ऐसा दिया कि मतलब उन्होंने एक्सप्रेशन दिया कि ये सही बात नहीं है उन्होंने। तो वो भाई बोला मुझे कि इतनी सी बात से डिस्टर्ब हो जाते हैं, मतलब बड़ी मासूमियत से उसने कहा इतनी सी बात से डिस्टर्ब हो जाते हैं, कल तो बम गिरेंगे, विनाश होगा, तांडव मचेगा, कितना डिस्टरबेंस होगा, फिर क्या होगा इनका। मैंने ना मेरे तो कुछ समझ में आया नहीं क्योंकि वो भी दोनों पुराने ही थे, पर मुझे उसकी ये बात थोड़ी जची कि अगर फुल डिस्टरबेंस में मैं योग की प्रैक्टिस करूं तो उसके बाद से अगर अपना बताऊं, हमने कभी भी योग में बैठते हुए ये संकल्प ही नहीं किया है कि वहां शांति है चलो वहां चलते हैं, यहाँ शोर है, यहाँ नहीं यहाँ नहीं। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम बैठे और स्वयं को मस्तक के बीच में देखें, चारों तरफ कितना शोर हो रहा है, कई बार तो आह्वान करता हूँ शोर का कि हो और डिस्टरबेंस हो, और मैं देखता हूँ इस डिस्टरबेंस के अंदर मैं कितना स्टेबल माइंड रह सकता हूँ। और जैसे कि मैंने बताया कि हम घर में रहते हैं, सेंटर के और घर के माहौल में फिर भी फर्क होता है, क्यों? क्योंकि ज्ञान में आत्माएं, मैंने कहा कि हमारा पूरा लौकिक फैमिली है सभी ज्ञान में है, लेकिन भैया और भाभी जो है वो ज्ञान में नहीं है, बट वो ऐसा शोर शराबा नहीं करते हैं, पूरा सहयोगी है, बट छोटे छोटे दो बच्चे हैं, फुल शोर, अभी क्लास चल रही है तो बोला गया है स्पेशली कि प्लीज चिल्लाइएगा मत क्योंकि माइक में आवाज जाएगी, सामने डिस्टर्ब होंगे, नहीं तो वो अभी शुरू हो जाएंगे, वो हो सकता है ही मेरे पास आके पूरा हुड़दंग मचा दे। तो इस शोर में प्रैक्टिस, माइंड की प्रोग्रामिंग का खेल है सारा, हम अपने माइंड की प्रोग्रामिंग जैसी कर लेंगे फिर माइंड के लिए वो चीज एकदम नॉर्मल हो जाती है। अगर हम बहुत शोर शराबे में योग में रहने की प्रैक्टिस करते हैं तो फिर हम देखते हैं कि शोर का तो पता ही नहीं चल रहा है। जैसे मुझे एक उदाहरण याद आ गया, एक बार हमारे लौकिक माँ है जो वो योग में बैठे हुए थे, हमारे जो लौकिक पिता हैं उनका थोड़ा सा आदत है कि वो इन चीजों का ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि आप योग में बैठे तो मैं एकदम शांति से चलो शांति से बैठूं, हालांकि अब तो वो करने लग गए, पहले तो बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। तो वो योग में बैठी हुई है छत के ऊपर और मैं भी उधर ही बैठा हुआ था, और फोन आया, पिताजी ने फोन उठाया, फोन उठा के उनके ही पास जाके बोलते हेलो, हाँ जी, जोर से बोले, और तो वो उनकी तरफ ऐसे देखती हैं, मेरे सर पे ही बैठोगे क्या, मेरे सर पे ही बोलोगे क्या, थोड़ा दूर जाके बात नहीं कर सकते आप? तो मैं मुझे हंसी आई थोड़ी सी, क्यों? मुझे इसलिए हंसी आई कि वो बिल्कुल छत पे बैठे थे और हमारा जो घर है वो बिल्कुल मेन रोड से सटा हुआ है और वो रोड पूरे दिन चलता रहता है, उसमें हॉर्न बजेंगे, इनफील्ड लोग लेके जाते हैं, और गांव का थोड़ा माहौल है तो इनफील्ड का भी वो साइलेंसर निकाल लेता है, तो वो इनफील्ड वो ऐसे बोलती है, ढप 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 बहुत जोर से आवाज करती है, वो बहुत जोर से साइलेंसर निकाल देंगे, उसमें पटाखे सेट कर देंगे, बीच बीच में वो पटाखे छोड़ती है, फुल जितना भी वो डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकते करते हैं। तो माता जी बैठी हुई थी और थोड़ी देर पहले एक आयसर ट्रैक्टर निकल के गया था जो बहुत आवाज करता है, फिर उसके बाद एक इनफील्ड निकल के गई थी जो बहुत आवाज करती गई थी, लेकिन वो एकदम शांत बैठी हुई थी, योग में बहुत अच्छी स्थिति थी उनकी। और जब पिताजी आके बोले तो एकदम डिस्टर्ब हो गई। तो मैंने उनको बोला कि अभी तो जो इनफील्ड गई थी जो इतना आवाज करती हुई गई थी और वो ट्रैक्टर इतने जोर से आवाज करता हुआ गया था तब तो आप डिस्टर्ब नहीं हुए। कहती कब गए थे? मैं अभी तो गए थे। कहती नहीं मुझे पता नहीं चला। तो सही, मतलब उनका पता नहीं चला, लेकिन डिस्टर्बेंस किन से हुआ? जिनसे हम स्वयं को अटैच रखते हैं। सीधी सी बात है, तार की बात है, अब इस तार को इस तार से अटैच करेंगे करंट तो तभी पास होगा। तो जो हमारे संबंधी हैं कई बार डिस्टरबेंस उनसे ही ज्यादा अनुभव होता है हमें, बाहर कई बार सड़क पे कोई भी आत्मा जोर से बोल रही हो या गाड़ी जा रही हो तो नहीं, क्योंकि हम अटैच नहीं है ना, हमारे से डिटैच है, यहाँ पे अटैच है, तो जिनसे अटैच होते हैं ना डिस्टरबेंस उनका ज्यादा हमें अनुभव होता है कि देखो ना सेंटर में कोई मान लो दूसरी बहन है या कोई भाई है वो जोर से बोल रहा है, उनसे हम थोड़े अटैच हैं तो एकदम डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, जबकि एक अज्ञानी आके थोड़ा सा सड़क पे जोर से बात कर रहा हो तो शायद इतना नहीं होता है। आई थिंक सो, आप देख लीजिए। That's true. और जब आप ये संबंधों की बात करते हैं
तो ऐसे तो आपको भी अनुभव होगा ही। और जैसे आपने कहा कि हर एक का अपना पर्सपेक्टिव होता है, दृष्टिकोण होता है, भले कोई कितना भी ज्ञान में, कितने साल ज्ञान में निकाले हैं या कितना ज्ञान है, उससे भी ज्यादा हर एक को जो बाबा शिक्षाएं देता है, अनुभव देता है, उससे, उसके अनुभव से आत्मा को, कई आत्माओं को लाभ हो सकता है। तो जब आप रिश्ते की बात कर रहे थे, तो ऑफ कोर्स ऐसे तो होता ही है कि जब हम जब हमारी जीवन शैली बदल जाती है, तो जैसे कई, एक माता का बहुत गहरा प्रश्न है कि मैं अपने पति से पवित्रता की पवित्रता चाहती हूँ, और उस वजह से मेरे संबंध खराब हो चुके हैं, मैं प्याज लहसुन नहीं खाती हूँ, मैं पवित्रता धारण करती हूँ, तो वो मेरे हाथ का खाना खाना पसंद नहीं करते हैं, मेरे घर वालों से मेरे रिश्ते खराब हो जाते हैं, अभी ऐसे में मैं योग लगाने बैठती हूँ तो मुझे वो आत्माएं खींचती है, और मेरी, और कश्मकश होती ही है, राइट? तो वैसा कुछ आपको भी जीवन में कोई तो अनुभव रहा होगा, तो आपके अनुभव से उनको आप क्या एडवाइस देंगे? मुझे हमेशा एक बात याद रहती है कि मैं समझता हूं कि परमात्मा महावाक्य हैं, जैसी स्मृति वैसी समर्थी। जब हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं और हमें परिवार वालों से सहयोग नहीं मिल रहा है, हमें होना कनेक्ट तो होता है परमात्मा से, पर हम अनजाने में कनेक्ट रहते हैं उनसे। हम पूरे दिन युगल का चिंतन कर रहे हैं कि देखो वो, उसने मेरे हाथ का खाना नहीं खाया, ओके अच्छा वो अभी ऐसा करेगा आगे, अच्छा फिर ऐसा बोलेगा आगे। तो कनेक्ट किससे हैं हम? मैं जानता हूं ये इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी देखा जाए कनेक्ट किससे हैं हम? उसी आत्मा से कनेक्ट हैं हम। कई बार जिससे बचना चाहते हैं ना, सबसे ज्यादा उसी के बारे में सोचते हैं। यहाँ भी वैसे ही होता है कि हम सबसे ज्यादा उन्हीं से कनेक्ट रहते हैं। उनसे कनेक्ट होने के कारण क्या होता है, उनके मन की स्थिति जो है, मन की फाइल इस मन पे चढ़ती जाती है, चढ़ती जाती है। चढ़ानी थी शिव बाबा वाली, चढ़ती है ये। तो होता क्या है, वो आत्माएं कभी भी हमें ऊंची दृष्टि से देख ही नहीं पाती। ऊंची दृष्टि से जब देख ही नहीं पाती, मतलब हमारी स्थिति ऊंची नहीं बनी है, स्थिति ऊंची ही नहीं है, तो हमारा सम्मान कैसे कर सकती है? अगर ये बात बोलनी नहीं चाहिए, क्योंकि कराने वाले तो शिव बाबा है। लेकिन जब हमें 2014 में ज्ञान मिला, तो उस वक्त हमारी फैमिली से, लौकिक फैमिली से कोई भी ज्ञान में नहीं था। और जब हम आए, हमने ज्ञान इनको सुनाया, तो इन्होंने स्वीकार भी नहीं किया एकदम से। लेकिन हमने ये बात हमने किसी वरिष्ठ भाई की क्लास में सुन ली थी कि अपनी स्थिति से सेवा करनी है, अपनी स्थिति से सेवा करनी है। हमने फिर लक्ष्य रखा ज्ञान ना सुनाने का, केवल अपने ऊपर कार्य करने का। कि मैं, मानो जैसे एक स्वामान ले लिया कि मैं सोलह कला संपूर्ण श्री नारायण हूं, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। शिफ्ट किया कॉन्शियस, क्योंकि मुझे पता चल गया कि इनसे अगर मैं इन्हें बदलने जाऊं, तो पूरे दिन मेरा माइंड तो इनसे ही कनेक्ट है। इनसे कनेक्ट होने के कारण क्या है, जो जो इनकी माइंड का जो लेवल है, जहां ये इन्होंने अपने माइंड की फ्रिक्वेंसी को सेट किया हुआ है, वही मेरी बनने वाली है। तो फिर तो असंभव, मैं इन्हें साक्षात्कार या इन्हें प्रभावित कैसे कर सकता हूँ, होंगे ही नहीं। तो हमने वो सारा का सारा शिफ्ट शिव बाबा की तरफ किया, अपने स्वमान को ऊंचा लिया कि मैं हूं ही देव आत्मा। चलना उठना बैठना पूरा प्रैक्टिस किया कि मैं ये हूं, क्योंकि मैं एक्टिंग फील्ड से था, तो मेरे लिए आसान भी था कि मैं मान लेता था। जैसे आज पूरे दिन मुझे ये रोल मिला हुआ है कि मुझे श्री नारायण का रोल अदा करना है, तो मैं जैसे कुछ घंटे श्री नारायण के मूड में ही चल रहा हूँ, बैठ रहा, उठ रहा, खा रहा, पी रहा, बात कर रहा हूँ, मैं श्री नारायण हूँ। ये मैं चल रहा हूँ, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ, कोई कोई ऐसे अभ्यास में कर रहा हूँ। तो क्या हो रहा है, जैसी स्मृति वैसी स्थिति, और जैसी स्थिति है वैसा उनको दिखाई दे रहा है। तो ज्यादा समय नहीं लगा, आज हमारी जो लौकिक फैमिली है उसमें जितनी भी आत्माएं हैं, अगर सिर्फ भैया को छोड़ दो, बड़े भैया को, जिन्होंने 7 डेज कोर्स नहीं किया है, बाकी क्योंकि उनको थोड़ा सा वो, थोड़ा हिंदुत्व का थोड़ा सा वो ज्यादा है भाई, थोड़ा सा ना रू कट्टरपंथी जो चीजों की होती है उनके अंदर, वो थोड़ी ज्यादा है। तो वो सोचते हैं कि मतलब मैं तो पहले से बहुत ज्ञानी हूँ, तो
बाकी जितने भी लोग हैं घर में, भैया सॉरी भाभी, माता पिता, सिस्टर, उनके भी जो सिस्टर के जो हबी हैं यानी युगल हैं, और फिर इधर हमारे पिताजी के जो भैया हैं, चाचा चाची, उनके 3 बेटे हैं, जैसे एक डॉक्टर है, सब सब के सब ज्ञान में हैं और प्रॉपर ढंग से सभी चल रहे हैं, डेली मुरली अध्ययन करते हैं, डेली अमृत वेला नमा शाम, पूरा माहौल सेवा केंद्र का है। और सब क्यों हो पाया? क्योंकि हमने कभी उनको ज्ञान सुनाकर सिर्फ बदलने की कोशिश नहीं की, हमेशा यही लक्ष्य रखा कि मैं अपनी स्थिति ऐसी बनाऊं जिसको देखकर इनके मन में थॉट आए कि मुझे ऐसा बनना है। जैसे मेरे बड़े भाई हैं, वो ज्ञान में नहीं है पर वो इतना ज्यादा मेरा सम्मान करते हैं कि पूछो मत। इवन अगर उनसे कोई मिलके मेरे बारे में बात करे ना, बड़ी प्राउडली बात करते हैं, बट मैं आज भी हैरान हूँ कि वो मेरे बारे में इतनी अच्छी बातें करते हैं, इतना प्राउडली बातें करते हैं, वो कोर्स करने में संकोच क्यों करते हैं? लेकिन बस है, उनका पार्ट ही नहीं है, ये कह सकते हो। वो देवकुल की शायद हो सकता आत्मा ना हो, जैसे बाबा कहते हैं कि जो आपके धर्म का नहीं होगा ज्ञान नहीं लेगा, लेकिन सम्मान बहुत करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। तो मैं तो इसको ऐसे समझता हूं कि अपनी स्थिति पर काम किया जाए, अपने स्वमान को बहुत ऊंचा रखा जाए। कोई बात नहीं खाया खाना, अब हम खाना तो कई बार लोग तब भी नहीं खाते हैं जब आप ज्ञान में नहीं होते, घर में झगड़े तब भी होते हैं, आप उस चीज को ज्ञान से मत जोड़िए कि मैं तब से यहाँ ही हूं, तब से ही होने लग गया। ज्ञान में गहराई में उतर जाइए, ज्ञान की गहराई में उतरिए। जैसे एक बहन का उदाहरण है, वो बहन बताती है शुरू में बहुत अपोज हुआ, लेकिन उन्होंने अपने स्वामान को बहुत ऊंचा रखा कि मैं ईष्ट देवी हूं, मैं ईष्ट देवी हूं। उन्होंने स्वामान लिया था कि मैं जगत माँ हूं, और अपने जो उनके युगल थे, मैं इसकी भी माँ हूं, ये मेरा बच्चा है, उसे उसी दृष्टि से वो देखती थी, अलग अलग अभ्यास करती थी। कभी मैं ईष्ट देवी हूँ, ये मेरा भक्त है, अनेक अभ्यास वो करते थे। और आज उनके जो युगल है ना, सही में वो यही बात बोलते हैं कि इसके औरे के कारण ही मैं प्रोटेक्टेड हूँ, बहुत सम्मान करते हैं वो अपने युगल का। तो मैं तो ऐसा समझता हूँ इसके बारे में। आप जब ये बात सुना रहे थे ना, तो एक क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारे उमंग उत्साह में अगर देखा जाए, तो आज जो हमारे सामने खुशबूदार फूल, आप फूल के चेहरे आप देख रहे हैं ना, तो उन खुशबूदार फूलों में 95% जो है ना जगदम्बाएं हैं, राइट? जगत अम्बा है, 95% जगदम्बा है। लेकिन हम जगदम्बा का क्या प्रॉब्लम होता है कबीर भाई? हम ऐसे समझते हैं कि हमें तो किसी को है ना बुरा नहीं लगाना है, तो वो भले बिल्कुल हमें थोड़ा फोर्स कर देना तो हमें कॉम्प्रोमाइज कर देना है। वो जरा हमें सगा हमारे रिलेटिव्स होते हैं, रिलेटिव्स कुछ कह देना तो अभी क्या करेंगे, उनको थोड़ी दुख देना है, उनका मान लेना चाहिए ना। तो फिर बेचारे क्या है, बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं ना, जगदम्बा है ना तो जगत माता बन जाती है, तो कभी काली कभी माँ बन जाओ। काली माँ नहीं बन पाती है, नहीं, काली माँ नहीं बन पाती है, वो प्रॉब्लम है कल की मुरली भी है ना प्योरिटी के ऊपर, लेकिन नहीं हमारा पति है ना, और तो कोई है नहीं ना, ये गीत चलता है ना फिर। चलो ये मतलब बता वो जी। जो मजबूरी के संस्कार जो हो जाते हैं ना, तो वो काफी इसीलिए हमने जब आपको प्रश्न पूछा था ना कि जो कॉन्शियसनेस शिफ्ट करेंगे, आपने बहुत अच्छी बात की ही है। और आपने ये जो मैं इष्ट देवी हूँ इष्ट देव हूँ, तो आज से 25 साल पहले इसी पुरुषार्थ से सूरज भाई का ये टिपिकल डायलॉग है कि अगर आपको किसी भी बंधन से, किसी भी समस्या से बाहर निकलना है तो मैं इष्ट देवी हूँ। और वो हमने भी बिल्कुल अनुभव किया है और इट वर्क्स। बट कहीं ना कहीं आपको क्यों, आपको आप क्या कहेंगे, मैं मतलब वी आर जस्ट हैविंग कॉन्वर्सेशन, कि क्यों वो संकल्प की कुछ एक कमजोरी या कहे या वो कमजोर संकल्प क्यों आ जाते हैं कि हम कॉम्प्रोमाइज करने पे बन जाते हैं और बाबा के नियमों के ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, ऐसा क्यों होता है? शक्तियों का भाव है, जहां शक्तियों का अभाव होता है वहां ऐसा होता। दूसरी बड़ी बात लक्ष्य, जब हमारा लक्ष्य ऊंचा नहीं होता ना तो लक्षण नहीं आ पाते। जब लक्ष्य ऊंचा होता है, मनुष्य कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। आप देखिए,
कि ऐसा नहीं सभी का, दीदी जी बता रहे हैं जैसे कि ऐसे हमारे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है कि कोई हमें ऑफर कर रहा है बहुत सारी चीजें। मुझे याद है कि जब ज्ञान मिला था तो ज्ञान मिलने के 1 साल बाद तक भी मैंने मॉडलिंग कंटिन्यू की थी, और उसके दौरान मुझे बहुत ऐसे फोन आते थे, मतलब समझ लीजिए फुली मायावी जो थे, जो कॉल्स जैसे कोई कहे कि आप मेरे मित्र बन जाइए, मैं आपको ये गाड़ी भी अभी के अभी ऑफर करती हूँ इस तरीके से, या वट एवर, जो ऐसे अनेक चीजें ऐसी होती थी। लेकिन हम कभी भी उन चीजों को, कभी भी उनकी तरफ ध्यान नहीं देते थे। तो वही लोग फिर बाद में बहुत सम्मान करते थे, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। कई बातें ऐसी हैं कि जो मैं यहाँ बोल ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि लेकिन उनमें इतना अच्छा उदाहरण है वो, कि वो बातें आप सुन लें तो शायद निश्चित तौर पर बहुत बहुत बल मिलेगा। लेकिन वो चीजें ऐसी हैं कि जो पर्सनली कही जा सकती हैं, जो बाबा ने कदम कदम पर कहते हैं ना, थोड़ा सा टेस्ट किया और मदद भी खुद ही करता था, फिर टेस्ट करता था फिर मदद भी खुद ही करता था। जैसे कि मुझे याद है कि एक टीवी सीरियल आता था पवित्र रिश्ता, उसमें एक टीवी एक्ट्रेस थी जिसने, जब वो सेंटर पे आई लोखंडवाला सेंटर पे कोर्स के लिए, तो दीदी ने हम ही को वो जिम्मेवारी सौंपती कि इन्हें कोर्स कराइए। जो कोर्स कराया तो मैं भी खुद हैरान, पता नहीं बाबा कहाँ कहाँ से क्या क्या बातें बोल गए, और उसको बहुत अच्छा लग गया, बहुत अच्छा उसकी स्थिति भी बनी और ज्ञान की बहुत अच्छी क्लैरिटी। उसकी माँ पहले से ज्ञान में थी, अपने माँ के साथ वो डिस्कस करती थी ज्ञान के पॉइंट, तो उसकी माँ कहती थी बहुत अच्छे से कोर्स समझाया तूने तो। तो उसने अपनी फिर फ्रेंड को बताया कि भाई ऐसा ऐसा है, और कबीर भाई हैं वो वहाँ पे सेंटर पे आते हैं, वो भी मॉडल हैं लेकिन वो ये नॉलेज भी लेते हैं और आपको कोर्स करा सकते हैं। तो उसने तुरंत एकदम उमंग उत्साह में कहा कि हाँ मैं भी करूंगी, कबीर भाई मतलब कौन है वो, कैसा बताया। तो अब ये बात सुन रही है वो बहन, और ये बहन क्या है, मुझे अप्रिशिएट कर रही है कि वो भाई भाई की स्थिति बहुत अच्छी है, मतलब दृष्टि बहुत शुद्ध है, एकदम बहुत स्टेबल माइंड है, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए उसकी। तो क्या, तो कुछ होता है वो दुनिया, मायावी दुनिया में लोगों में, कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो असंभव है। कुछ बहनों में ऐसा होता है जो देवभान में जी रहे हैं कलयुग में, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मुझे देखे और मेरी तरफ आकर्षित ना हो, असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्होंने आपस में ही शर्त लगा ली जो बाद में उन्होंने मुझे बताई थी जब मैं फुली पास हो गया था। तो जब कोर्स के दौरान वो आई, उन्होंने अपने अपने जो भी कोर्स के दौरान जो भी कुछ अपना दिमाग लगाया उल्टा सुलटा, जो भी कोर्स के ट्राई किया, उनको क्या क्या प्लान कर रखा था कि मेरा बर्थडे है आप प्लीज आएंगे, क्योंकि मैं बाह्य दुनिया में भी रहता था और मुझे सब वो बैलेंस करके चलना पड़ता था, जैसे आप माताएं जो घर गृहस्थ में रहती हैं बैलेंस करके चलती हैं, ऐसे मुझे सब बैलेंस करके चलना होता था। तो उनका बर्थडे था, जन्मदिन पर उन्होंने मुझे इन्वाइट किया, मैं बिल्कुल खुशी से गया, वहां पे पार्टी थी तो बहुत सारे फ्रेंड्स आए हुए थे, उन सब जो वो सारी बहनें थी उस वक्त, तो मैं उन्हें किसी को बहन नहीं कहने की हिम्मत थी मेरे अंदर, लेकिन अभी तो हम बहन और माता हैं सब। तो ये सब उन्होंने जो भी प्लान किए हुए थे, तो पूरी कोशिश की मन को भटकाने की, मतलब पूरा जितना वो एफर्ट लगा सकती हैं, लेकिन इंच भर भी वो खिसका नहीं सकी, क्योंकि मेरे मन में एक ही बात पूछती थी बस, कि मुझे मुझे वो बनना है जो मैं डायमंड हॉल में बोल के आया था, जो मैंने वरदान लिया था कि मुझे वैसा बनना है, मुझे इस विश्व को कुछ देना है। क्योंकि मुझे ये स्पष्ट होने लगा था कि जब विनाश काल सामने होगा, विनाश का तांडव होगा, लोग आपके सामने रोते आएंगे, आप उनको कुछ दे नहीं पाएंगे, तो आप कितने लाचार अनुभव करेंगे। ये सब बातें मेरे मन में बिल्कुल ऐसे गूंजती थी जैसे कि ये बस अभी हो रहा है। तो ये बातें मुझे बड़ी छोटी लगती थी। यकीन मानिए कि वो मैं वहां पे फुली पास हुआ, और जब पास हुआ तो उन बहनों ने मुझे इतना सम्मान दिया, इतना सम्मान दिया। उन्होंने, उनके मैं शब्द बताता हूँ जो उन्होंने बोले थे। उन्होंने कहा था कि हमने अभी तक इस धरती पर कोई भी पुरुष ऐसा नहीं देखा है जो ऐसी परिस्थितियों में हिले ना, मतलब आपने ये विद्या, मतलब कब से आप ये सब कर रहे हैं, प्रैक्टिस कब से कर रहे हैं, ये सब क्या है। तो मैंने उनको बताया कि 1 वर्ष से ही वो कर रहा हूँ, और ऐसे ऐसे 1 वर्ष में इतनी स्टेबिलिटी कैसे हो सकती है। तो मैंने बताया कि कोई पढ़ाने वाला परमात्मा है स्वयं, और वो आपको उसमें थोड़ा समझी भी होंगी थी, बात तो है, लेकिन किसको विश्वास होता है कि भगवान पढ़ा रहा है लेकिन सामने देख रहे हैं, तो ये तो अद्भुत है। तो ये सब होने के बाद जब हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं ना सिचुएशन के सामने, तो वही लोग फिर हमें बाद में बेइज्जत करते हैं।
या ठीक है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भगवान आया हुआ है, मैं देवी हूं या सत्युग आने वाला है, देखो ना कॉम्प्रोमाइज कर लिया। लेकिन जब किया नहीं ना, चाहे कितना भी सहन करना पड़ा हो, आप समझ लीजिए, आप मैं मतलब मैं खुल के नहीं बोल पाया सारी बातों को कि उस वक्त हमने क्या क्या सहन किया होगा, आप बस समझ लीजिए। तो जो भी माताएं वो घर पे करती हैं, लगभग उससे भी ऊपर के लेवल होगा वो सहन करने का उससे। और ऐसा एक नहीं, कई बार पेपर आए हैं और कई बार आए हैं, कभी रात के 2 बजे किसी का फोन आ रहा है कि आप प्लीज आ जाइए, प्लीज आ जाइए, प्लीज आ जाइए। मैं कह रहा कि नहीं आ सकते हैं, क्योंकि मतलब फिर फोन बंद करके सो जाते थे, इतने इनविटेशंस। और जब ज्ञान में आने के बाद तो और ज्यादा ये चीजें शुरू हो गई, बहुत ज्यादा हो गई। ज्ञान में आने की वजह से ना हर कदम पे पेपर लिया जा रहा है, बहनों के रूप में यू नो माया ऐसा रूप रच रच के आ रही है पेपर लेने के लिए। क्योंकि मेरा मेरी जब मैं अज्ञान में था तो उठना बैठना लोगों से तो होता था, लेकिन यहाँ पेपर के रूप में सब आए तो सभी पास, फुली पास। मुझे आज भी प्राउड फील होता है इन बातों को सोचते हुए कि बाबा आपने कैसे मुझे इन चीजों से निकाला। और सबसे बड़ी बात, जिस जिसके सामने पेपर पास किया उन सभी ने 7 डेज कोर्स किया है, उन सभी की नजर में आज हमारा बहुत सम्मान है, बहुत ज्यादा। वो कभी भी उन बातों को लेके नहीं सोचती है, कभी भी, बहुत सम्मान है आज अनात्माओं के दिल में हमारे लिए। तो मत करिए कॉम्प्रोमाइज, चाहे कुछ भी हो जाए। रिश्ता देखो, प्योरिटी सबसे बड़ी चीज है। अगर कोई व्यक्ति केवल और केवल आपसे इम्प्योरिटी का रिश्ता रखता है तो फिर वो क्या रिश्ता है। वैसे देखा भी जाए, बहन भाई का रिश्ता ले लीजिए, भाई भाई का ले लीजिए, माँ बेटे का ले लीजिए और पति पत्नी का ले लीजिए, सबसे ज्यादा झगड़े पति और पत्नी के रिश्ते में होते हैं। कारण क्या है? क्योंकि इसका आधार स्तंभ ही काम विकार है। जिसका आधार ही गलत है वो रिश्ता शुद्ध कैसे हो सकता है? और हमारे इस यज्ञ में, हमारे इस ज्ञान में ऐसी अनेक आत्माएं हैं जो दोनों ज्ञान में चल रही हैं, और उनके घर आप जाएंगे ना, आप हमारे लौकिक घर में आ जाइए, हमारे माता पिता से मिलिए, आपको ऐसा लगेगा लक्ष्मी नारायण के साथ बैठे हुए हैं आप। हमारे चाचा चाची से मिलिए, आपको लगेगा लक्ष्मी नारायण के साथ बैठे हुए हैं। दोनों के दोनों में प्योरिटी है, तो क्या उनके रिश्ते टूट गए हैं और अच्छे बन गए हैं? इतनी घर में शांति है, इतना प्यार से चलते हैं, बात करते हैं, सब कुछ। क्या ये मतलब ये बहुत गलत माइंड की प्रोग्रामिंग हुई है। अभी एक जब एक सेशन चल रहा था, एक भाई खड़े होके बोले, अच्छा सब पवित्र बन जाएं तो फिर बच्चे कैसे पैदा होंगे, ऐसा प्रश्न उनका कुछ आया था। तो उस वक्त बाबा ने हमें टच की एक बात, हमने उनसे पूछी, अच्छा ये बताइए आपके कितने बच्चे हैं? उन्होंने बोला दो। उन्होंने कहा छोटे बच्चे की एज कितनी है? कहते 14 वर्ष। हमने कहा मुबारक हो, आप 14 वर्ष से पवित्र हैं। कहा नहीं मैं तो नहीं हूं। क्यों? अगर आप समझते हैं कि ये जो काम विकार है केवल बच्चों के पैदा होने के लिए, तो बच्चों तो आपके 14 वर्ष पहले तक हो चुके थे ना, उसके बाद क्यों आज तक विकार में आप? तो इसका मतलब ये बच्चों के लिए नहीं है, इसमें आत्मा आनंद ढूंढ रही है। मैं खुल के बोल रहा हूं थोड़ा, इसमें आत्मा आनंद खोज रही है, और इसमें आनंद मिल ही नहीं सकता। साइंस समझिए, इसमें आनंद मिल ही नहीं सकता। जो काम विकार के दौरान आत्मा वो क्षणिक अनुभव करना चाहती है ना, राजयोग मेडिटेशन में जब तक आप शिव बाबा से कनेक्ट होके बैठते हैं और पावरफुल योग की अनुभूति करते हैं, वही अनुभव आप घंटों करते हैं, घंटों। सोचिए, अगर योग है तो वही पवित्रता की शक्ति नीचे से ऊपर की ओर बहती हुई लाइट बनती हुई ब्रेन में जाती हुई चेहरे पे नूर के रूप में चमकती है, और अगर भोग है तो वही शक्ति केवल नीचे को बहके शरीरों को जन्म देती है और कुछ भी नहीं करती। एक माता का प्रश्न है कि अभी संबंधों से थोड़ा अलग होके हैं। वे पूछ रहे हैं कि सुबह 4 बजे उठना नहीं हो पाता है उम्र की वजह से, क्योंकि मेडिसिंस है उस लेते हैं उसकी वजह से ज्यादा नींद आती है। तो क्या 4 से 5 बजे के 4 से 5 बजे न उठे, बीच में न अमृत वेला करे, और जब भी हमें नींद से हम उठे तभी हम अमृत वेला समझ के करें, तो क्या ठीक रहेगा? या क्या महत्व है ब्रह्म मुहूर्त का? तो उनका वो क्वेश्चन था। देखिए, बाबा ने भी आत्माओं को सामने देखते हुए श्रीमत दी हुई है, अलग अलग जैसी परिस्थिति होती है उसके हिसाब से मैनेज कर लेना चाहिए। अगर कहते हैं ना, कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर होता है, और मैं हमेशा ये बात मानता हूं कि
कि अगर मान लिया आप अमृत वेला नहीं उठे, मान लीजिए अमृत वेला नहीं उठे, आप 5 बजे आपकी आंखें खोली, अगर आप 5 बजे से 5:30 या 6 बजे तक बड़े दिल और शिद्दत से बाबा को याद करते हैं ना, तो आपको इतनी पावर भर जाएगी कि आपकी अमृत वेला भी अपने आप आंखें खुलने लगेंगी। और बजाय मैं इसके ये कहने लग जाऊं कि नहीं नहीं अमृत वेला तो आपको उठना ही पड़ेगा, नहीं तो पाप लगेगा और श्रीमत नहीं है, तो उसमें क्या होगा कि आप उठ नहीं पाएंगे और गिल्ट में चले जाएंगे, और गिल्ट अपने आप में आत्मा की एनर्जी को कम कर देता है। तो आप भले 5 बजे उठिए, 6 बजे उठिए, आधे पौने घंटे अच्छे से योग का आनंद लीजिए, यकीन मानिए आपके अंदर इतनी पावर आ जाएगी कि आप कुछ दिनों में अमृत वेला भी उठने लग जाएंगे और शरीर भी आपका स्वस्थ हो जाएगा। क्यों? और एक प्रश्न है कि जैसे हमारा एक सेशन हुआ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, तो मेडिटेशन में तो हम शक्तियाँ और वो तो बाबा से लेते ही हैं, पर क्या स्थूल चीजें भी हम योग के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं? कि जैसे एक भाई ने पूछा है कि जैसे घर चाहिए है, नौकरी है, या तो फिर घर में जो भी भाई है उनकी शादी है, बहन की शादी करवानी है, तो क्या ऐसी चीजें को के लिए हम भाई मेडिटेशन को यूज कर सकते हैं क्या? और कर साधु, सकते हैं तो क्या एक बार एक ही चीज से करें कि या चलो घर जाइए तो घर के लिए ही पूरे 21 दिन मेडिटेशन करें, या फिर सारी चीजों को रोज कर सकते हैं? करने को तो आप कुछ भी कर सकते हैं। यहां तो मन का नियम है, पहले ही सेशन में बताया गया था, मन जिनी है, आपने उसको ऑर्डर देना है। आपने ऑर्डर महल बनाने का दिया, महल बना दिया, महल गिराने का दे दीजिए, महल गिरा भी देगा। ठीक है, माइंड को आप जो भी ऑर्डर देंगे वो करेगा। एक टेररिस्ट के माइंड की प्रोग्रामिंग होती है कि आप बम फाड़िए, जन्नत में जाइए, तो वो एक काम करता है, उसका माइंड उससे करवाता है। और एक माइंड की प्रोग्रामिंग है कि आप सोल कॉन्शियस रहिए, आप देवता बन जाएंगे, वो करता है। करने को आप कुछ भी कर सकते हैं, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन सभी चीजों पर काम करता है। आप यहाँ शादी की बात करें, घर की बात करें, सब देखिए, वैसे तो हम चाहते नहीं है फिलहाल, अभी समय के हिसाब से कोई शादी करे, क्योंकि अभी फिलहाल जो समय चल रहा है ना, अभी इन चीजों में कुछ रहा नहीं है, बहुत नाजुक समय चल रहा है। लेकिन फिर भी अगर आपको ये सब करना ही है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब कहने का ये है कि आप जीवन में जो भी चाहते हैं पूरी शिद्दत और दिल से सवेरे उसे इस तरह से विजुअलाइज करिए कि जैसे मानो वो आपके जीवन में आ गया हो, और अगर आ जाए तो आप कैसे खुशी मनाएंगे, किस किस को शुक्रिया करेंगे, वो उस पिक्चर में करिए। माइंड की फ्रीक्वेंसी वहीं पहुंच जाएगी, वो चीज आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी। लेकिन हम ऐसा विश्वास से नहीं कर पाते। पहली बात तो जब विजुअलाइज कर रहे होते हैं तभी विश्वास नहीं होता, और फिर क्या होता है, दिन भर में तो नेगेटिविटी घेर ही लेती है। तो दिन भर में जो नेगेटिविटी हमें ना घेरे उसके लिए क्या करना है, उसके लिए परमात्मा पिता से लेनी है पावर। हमने ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिस किए हैं, और अज्ञान काल में भी कोशिश करते थे, किसी से सुना था, लेकिन सफल नहीं होते थे। लेकिन ज्ञान में आने के बाद हर बार सफल होते हैं। क्यों? क्योंकि हम परमात्मा पिता से पावर लेते हैं। एक होता है आत्मिक लेवल पे आत्मा की शक्तियों को यूज करते हुए काम करना, एक होता है परमात्म शक्तियों के द्वारा कार्य को करवाना। अब आत्मा की बैटरी तो आज हमारी कलयुग में है ही 2%, और परमात्मा है 100%। परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं, हमसे शक्ति लेते हैं, शक्ति भरती है, भरती है, भरती है, भरती जा रही है, बैटरी बढ़ती जा रही है, फिर विजुअलाइज करते हैं, परमात्म शक्ति को प्रयोग किया तो सफलता निश्चित तौर पर मिलती है। और एक बात और, परमात्मा से जब हमारा कनेक्शन प्रॉपर होता है ना, तो हमें सही मार्गदर्शन भी होता है कि किस चीज को विजुअलाइज करूं, किसको नहीं करूं, किसकी जरूरत है, किसकी नहीं है। और अगर उनसे कनेक्शन नहीं होगा तो सोचते हैं पूरी दुनिया का मालिक मैं ही बन जाऊं, चाहे उसकी कोई जरूरत ना हो, फिर नीड से वो ग्रीड में बदल जाता है। लेकिन यहाँ नीड रखनी है, और परमात्मा पिता से योग लगाने पर बढ़ती है रियलाइजेशन पावर। रियलाइज करते हैं सही चीजों के, ये ठीक है, ये ठीक। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप जो चाहते हैं उसे सवेरे वैसे विजुअलाइज करिए, पहले कनेक्शन बनाइए शिव बाबा से कि मैं आत्मा मस्तक के बीच बैठी हूं, और खुद से बात करिए कि मैं शिव की संतान हूं, मुझ में शिव बाबा की अथाह शक्तियां हैं, वो शक्तियां हैं मेरे अंदर, हैं, वो जाग रही हैं, मैं देख रहा हूं शिव बाबा की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं, मुझ में समा रही हैं। फिर मैं सामने एक टीवी बना लेता हूं ऐसे करके, उस पर विजुअलाइज कर लीजिए जो आप चाहते हैं, उस पिक्चर के हीरो खुद ही बन जाइए, और पिक्चर को ऐसे देखिए जैसे टीवी पे मूवी देखते हैं,
देखिए, खुश होइए, थैंक यू बोलिए, हो जाएगा। रोज करिए, दिल से करिए और बेफिक्र हो जाइए। ओम शांति। और एक क्वेश्चन है कि जैसे बाबा को हम अपने डेली रूटीन में कैसे यूज करें, कैसे हम जैसे खाना खा रहे हैं तो बाबा साथ में चल रहे, मतलब कैसे बाबा को डेली रूटीन में ऐड करें हमारी। रिलेशनशिप्स, बाबा से संबंध जोड़ें, अलग अलग संबंध। जैसे कि मानिए आप सवेरे उठे, सबका अलग अलग हो सकता है। आप सवेरे उठते ही आप कौन से संबंध में उन्हें देखना चाहेंगे? आप उन्हें सतगुरु, आप उन्हें सत टीचर, आप उन्हें परम पिता के रूप में देखिए। अब इनमें से आप कौन सा रूप का आनंद लेना चाहते हैं? अगर उन्हें वरदान लेना है तो सतगुरु मेरे सामने है। सबसे पहले जितना हो सके कोशिश करिए, शुरुआत में एकदम उनके बिंदु रूप को ना देखते हुए देखिए कि शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा की प्रकाश की देह में है, उनके प्रकाश का शरीर है, बहुत सुंदर विशाल, एकदम अंग अंग से प्रकाश निकल रहा है और मस्तक पे शिव बाबा चमक रहे हैं, जिनकी किरणें चारों तरफ फैल रही है बहुत तेज। फिर बात करिए, उनके एक्सप्रेशन को भी नोटिस किया करो जब बात कर रहे हो ना कि बाबा ओम शांति, तो बाबा को देखो, बाबा मुस्कुरा के बोलते हैं ओम शांति बच्चे। उस सारे एक्सप्रेशंस को नोट किया करो, बाबा कैसे बोल रहे हैं, बाबा कैसे मेरे सर पे हाथ रख रहे हैं, वो पूरे एक्सप्रेशंस को देखा करो और फिर अपने आप को देखा करो ऐसे करके। अच्छा, मैं आत्मा भी लाइट की देह में हूँ, बाप दादा सामने लाइट की देह में है, जैसे बाप दादा वैसा मैं। अच्छा, चमक कम है, चलो और बढ़ा रहा हूँ, बाबा से लाइट आ रही है, और बढ़ रही है, और बढ़ रही है, सेम चमक कर लीजिए अपनी बाबा की तरह, रिश्ता बनाइए। सतगुरु है, उनसे उस तरह बात कीजिए जैसे गुरुओं से बात करते थे भक्ति मार्ग में। पिता से कैसे बात करते हो, बिल्कुल वैसे बात करिए। अच्छा, भोजन कर रहे हैं, किसके साथ भोजन करना चाहोगे आज? दोस्त के साथ, पिता के साथ करिए, आह्वान करिए, सामने बिठा लीजिए। बाप दादा बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं, मैं इधर बैठा हूँ, थाली बीच में, और थोड़ा थोड़ा सा, मतलब नहीं तो खुल के करेंगे तो लोग देखेंगे पता नहीं इसको क्या हो गया। तो मन ही मन में ऐसे कर सकते हैं कि जैसे आप निवाला तोड़ते हैं उनकी तरफ करते हैं, वो उसे खाते हैं, फिर आप उसी को खाते हैं। देखिए बहुत अच्छे अच्छे अभ्यास हो जाएंगे, चलते फिरते उठते बैठते, माइंड टू माइंड कॉन्वर्जेशन इसमें बहुत ज्यादा काम करेगा। कॉन्वर्जेशन तीन तरह के बताए थे ना, माइंड टू माइंड, ओरल और रिटर्न। बाबा ने कहा था कि बच्चे तुम इतने देहभान में आ गए हो, इतने ज्यादा देहभान में आ गए हो कि मैं तुम्हें प्रेरणा से शिक्षा नहीं दे सकता था, इसलिए मुझे देह में आना पड़ा, क्योंकि तुम देह की भाषा समझते हो, बोलने वाली, लिखने वाली, इसलिए मुझे नीचे आना पड़ता है। मैं माइंड टू माइंड तुमको ये ज्ञान नहीं दे सकता था, लेकिन जब नीचे आए तो बाबा ने हमें ज्ञान दिया है, बताया है कि तुम माइंड टू माइंड मुझसे बातें कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ आके उन्होंने हमें बता दिया है, क्योंकि देवताएं सत्युग में माइंड टू माइंड वार्तालाप करते हैं, हम कर रहे हैं, तो माइंड टू माइंड कॉन्वर्जेशन करिए उनसे हमेशा। कहीं भी जाइए, कोई भी काम करिए, घर से बाहर जा रहे हैं उनकी लाइट के सामने खड़े हुई बात करिए, बाबा चलिए मेरे साथ चलिए। स्कूटर चला रहे हैं, बाप दादा पीछे बैठे हुए हैं। कभी कभी आप ऐसे अभ्यास कर सकते हैं कि जैसे पेड़ लाइट के हैं सड़क पे जो लगे हुए हैं, और आप भी लाइट के और बाप दादा पीछे लाइट, पूरा लाइट ही लाइट पड़ रहा है, जितना दूर तक देख सकते हैं देखिए, 1 किलोमीटर तक का लक्ष्य रखिए कि 1 किलोमीटर तक तो स्कूटी पे मैं ऐसे ही अनुभव करूंगा कि सड़क लाइट की है, स्कूटी लाइट की है, मैं लाइट का, सब लाइट का, बाबा की लाइट पड़ रही है, वृक्ष लाइट के कितने अच्छे लगेंगे ना देखिए। तो इस तरीके से आप उनसे अनेक संबंध जोड़ सकते हैं, हर तरीके से। बाथरूम में जा रहे, स्नान कर रहे हैं, बाबा का किरणें फाउंटेन के रूप में मेरे ऊपर पड़ रही हैं, मैं लाइट की देह में फरिश्ता स्नान कर रहा हूं। देखिए, कभी सत्युग में जाके स्नान करके आइए, वो फाउंटेन पड़ रहा है, मैं देवता श्री नारायण श्री लक्ष्मी स्नान करूं तो कैसा लगूंगा, वो सब देखिए, लंबे लंबे बाल, वो सब कंचन काया अच्छे से, बहुत सब बहुत अच्छा लगेगा। तो चिंतन चलाइए, और कहीं भी अटक जाए तो अपने सोते हुए अपने माइंड को बोलना कि हे मेरे मन, जैसे अभी ये प्रश्न आपने हमसे पूछा है, ये प्रश्न अपने मन से पूछिए, आपका मन आपको जवाब देगा, क्योंकि मन ज्ञान स्वरूप है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान भरा पड़ा है। जिस तरह का प्रश्न पूछोगे वो उत्तर किससे मिल सकता है, मन दौड़ा हुआ वहीं जाएगा,
मन सीधा शिव बाबा से जुड़ जाएगा, उत्तर लेकर आएगा, लेकर आएगा पक्का। ओम शांति। थैंक यू।